का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में। मास महाराजा रवि तेजा का बिग स्क्रीन स्वैग काफी जबरदस्त रहता है, जो कि मासेस और क्लासेस दोनों को खूब भाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी इनके इसी अंदाज के कायल हैं। रवि की फिल्म चॉइस ही सलमान की पसंदीदा बनती जा रही है, जहाँ ये किक का हिंदी रीमेक तो कर ही चुके हैं और अब एक और रीमेक की फिराक में है। जानते हैं इसी डील के बारे में थोड़ा तफसील में। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट हस्ती चंद्रेसा। रवि ने लास्ट रिलीज क्रैक से सभी रिकॉर्ड्स क्रैक तो किए ही, पर इनकी नेक्स्ट रिलीज खिलाड़ी के टीजर भर से ही ये जरूर लग रहा है कि इनका बेस्ट अभी आना बाकी है। खिलाड़ी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है, जिसने न केवल फैंस को बल्कि सलमान खान को भी उत्सुक बना दिया है। भाईजान इस कदर टीजर से इम्प्रेस हुए कि इसी के बलबूते इन्होंने खिलाड़ी फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदने में देर नहीं लगाई, जबकि फिल्म की रिलीज तो क्या अभी तक शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। शायद लगता है कि सलमान रवि तेजा के स्क्रिप्ट सेंस के ही तगड़े फैन बन चुके हैं, और शायद ये भरोसा कि रीमेक के समय से ही बन चुका है। हालांकि ये भी साफ कर दे कि किक और खिलाड़ी दोनों काफी अलग मूवीज हैं, इसलिए शायद सलमान खिलाड़ी को उतना भी सुपरहिट ना बना पाए जितना उन्होंने किक रीमेक को बनाया था। खिलाड़ी एक साइको थ्रिलर है, और इसके डबल रोल में रवि का स्वैग किलर लग रहा है, जबकि इसके हिंदी रीमेक में सलमान खास जचने वाले नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने क्राइम थ्रिलर बनाई ही नहीं है। भले ही भाई का स्टारडम वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इस साइको किलर कैरेक्टर में फिट शायद वो ना लगे, जिसका खौफ रवि ने सिर्फ टीजर से ही बयां कर दिया है। सलमान की स्ट्रेंथ एक्शन ह्यूमरस कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि चुलबुल, देवीलाल एक्सेट्रा, पर अब इन्हें एक आउट एंड आउट साइको थ्रिलर में डबल रोल निभाना है तो डाउट होना तो लाजमी है। वहीं रवि तेजा साइको थ्रिलर फिल्में काफी समय से करते आए हैं, जैसे कि ऑफिल। इनके परफॉर्मेंस इसी तरह की फिल्मों में खासम खास रहते हैं। खिलाड़ी के टीजर में इनका अनप्रिडिक्टेबल नेचर एक लुक में ही जाहिर हो जाता है, लेकिन सलमान सिर्फ एक्सप्रेशन से एक साइको कैरेक्टर दर्शा पाएंगे, इस बात में अभी थोड़ा डाउट है।
बात करें रिलीज से पहले राइट्स बिकने की, तो खिलाड़ी के साथ ही ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिट साउथ इंडियन फिल्म्स डियर कॉमरेड के राइट्स भी करण जौहर ने पहले ही खरीद लिए थे और बल्कि अभी तक भी संजो के रखे हैं। तो वही कन्नड़ा हिट मथे उद्भव के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ये राइट शायद पिछले हिट रिकॉर्ड को देखने के लिए सिक्योर किए जाते हैं। जहां किक के ब्लॉकबस्टर होने के बाद खिलाड़ी के बिक गए, तो वही कबीर सिंह के बाद डियर कॉमरेड के। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राट स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और साथ में खिलाड़ी के बैकग्राउंड को कहीं से कॉपी किया है? क्या DSP पर पहले भी BGM कॉपी के संगीन आरोप लगे हैं? फिल्मों में म्यूजिक की इम्पोर्टेंस हम इंडियन से ज्यादा कौन ही समझ पाएगा? स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से परफेक्ट फिट सॉन्ग्स और कभी कभार अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स की इजाद तो इंडियन फिल्म्स में ही की है। अब तो आलम ये हो चुका है कि जिस फिल्म में गाना ना हो वो फिल्म अधूरी सी लगती है, लेकिन म्यूजिक को तो अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाता है और सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं। उनकी चकाचौंध में बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं खो सा जाता है। हालांकि कभी कभी तो BGM ही स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट काम अकेले निपटा लेता है, लेकिन तभी भी इसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरफ दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज हम इसी बैकग्राउंड एलिमेंट को फ्रंट में लाकर इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे यानी कि पंखुरी के साथ, और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हमने पिछले कुछ सालों में सिनेमा के हर एक एस्पेक्ट में फिनोमिनल ग्रोथ देखी है, और इसी रिवोल्यूशन का पार्ट BGM भी रहा है। पिछले कुछ एक मूवीज को अगर उठा के देखें तो बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में म्यूजिशियंस ने बॉल सीधा बाउंड्री के पार मारी है। प्लीजिंग सॉन्ग्स बनाने के साथ साथ म्यूजिशियंस कैची बीट्स वाले BGM बनाने पे भी खास ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए BGM लवर्स का तो एक खास फैंडम ही क्रिएट हो गया है। BGM की इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टोरी में डायलॉग्स और एक्टिंग के साथ BGM भी स्टोरी टेलिंग में काफी अहमियत रखता है।
कई बार तो बिना किसी डायलॉग या विजुअल के बीजीएम ही ऑडियंस तक डिजायर मैसेज पहुंचाने में सफल रहता है। आर्ट की हर एक फील्ड की तरह ही म्यूजिक में भी सभी इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस करने की ताकत होती है। और ऑल्दो हिट सीक्वेंसेस में चार चांद लगाकर देते हैं, बीजीएम हर इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्शन के लिए हमने कैथी और वॉर के म्यूजिक को सराहा था, तो वहीं कॉमेडी फिल्म्स में जाति रत्नालो के म्यूजिक पर भी ह्यूमर क्रिएट किया था। सस्पेंस के मामले में रत्सासन और अंधाधुन के म्यूजिक ने हमें लगातार अपने सीट पर बनाए रखा था। तो वहीं ऐ दिल है मुश्किल में रोमांस को बीजीएम ने काफी निखारा था। बस यही नहीं बल्कि और जितने भी इमोशंस होते हैं उन सभी को अमलजामा पहनाकर बीजीएम परफेक्टली काम करता है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग में अपना पार्ट बीजीएम बखूबी निभा जाता है। हाल ही की रवि तेजा की खिलाड़ी फिल्म टीजर का बीजीएम भी हमें काफी कैची सा लगा था, लेकिन इसके रिलीज के दो दिन बाद ही क्रिएटर देवी श्री प्रसाद पे बीजीएम कॉपी का संगीन आरोप लगना शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि इसका बीजीएम कॉपीड है खिलाड़ी नंबर 150 फिल्म से, तो कुछ ने दावा ठोका कि ये कॉपीड है प्रभास की साहो से। अब हमने अपने लेवल पे भी तफ्तीश की तो पाया कि सिमिलैरिटी तो जरूर है और कॉपी की बू आ रही है। देवी श्री प्रसाद को इसी कॉपी एलिगेशंस के लिए काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इन्हें ऐसे इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। सेम टाइम पर पुष्पा का भी टीजर रिलीज किया गया था जिसका म्यूजिक कंपोजर देवी प्रसाद ही है, और इसके बीजीएम को भी बेबी और एवेंजर्स एंडगेम से चुराया हुआ बताया जा रहा है। अब जाने अनजाने ही सही, लेकिन अगर बार बार एलिगेशंस के कटघरे में डीएसपी ही फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रीतम दा की तरह इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की थिन लाइन को पार कर रहे हैं, और जब जब ऐसा करेंगे जनता तो जरूर ही पकड़ लेगी। खिलाड़ी के बीजीएम के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना। कब होगी रवि तेजा की खिलाड़ी की हिंदी रिलीज? खिलाड़ी की हिंदी रिलीज से किसको होगा नुकसान? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. अल्लू अर्जुन की पुष्पा की हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वो भी कोरोना काल में। इसी को देखते हुए जब बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी फिल्मों को रिलीज करने में हिचक रहे थे, वहीं रवि तेजा ने अपनी फिल्म खिलाड़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रवि तेजा के लोकप्रियता को देखकर उन्हें मास महाराजा भी कहा जाता है। उनकी डब की हुई फिल्में हिंदी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है जबकि इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल हैं। इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी हमें नजर आने वाली हैं। इससे पहले वो विक्रमार गुड्डू में भी डबल रोल करते हुए नजर आ चुके हैं। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में उनकी इस फिल्म का रीमेक राउडी राठौर के नाम से बना था। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्या रवि तेजा भी अल्लू अर्जुन जितना प्यार बटोर पाते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल? कब रिलीज होगी ये फिल्म? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे। फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में
उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई, एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। जल्दी से बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके आ जाइए। रवि तेजा पैंडेमिक के इस माहौल में पहले भी काफी डेयरिंग दिखा चुके हैं, जहां इन्होंने अपनी लास्ट फिल्म क्रैक को थिएटर्स में रिलीज किया था और इस रिस्क का पूरा फल इन्हें मिला भी। जनता ने क्रैक मूवी को इनकी करियर की हाईएस्ट ग्रोसर बना डाला। तो इसी मैजिक के एक और बड़ा उम्मीद करते हुए रवि फिर एक बार रिस्क लेने जा रहे हैं और इस बार तो रिस्क पहले से भी डेयरिंग है। रवि अपनी नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी को 28 मई पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया में थिएटर्स ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा कम हो गई है। इवन इनके अपने स्टेट में भी थिएटर्स में सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी दी गई है, लेकिन रवि अड़े हुए हैं अपनी डिमांड पर और चाहते हैं 28 मई की रिलीज ही। अब ये रिस्क पहले से बड़ा इसलिए है क्योंकि क्रैक के समय कोविड की सेकेंड वेव इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, और जनता की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए शायद गवर्नमेंट थिएटर कैपेसिटी और भी कम कर दे। तो कहीं जोश जोश में रवि बाबू होश ही ना खो बैठे और खुद ही घाटे को सौदा खेल जाए। बात करें खिलाड़ी की तो टीजर से तो ये फिल्म कमाल लग रही है और नॉन पैंडमिक रिलीज में तो जरूर सुपर हिट होने का मादा रखती है। रवि तेजा की इस मच अवेटेड फिल्म खिलाड़ी का टीजर काफी सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ है, जहां ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइको किलर के रूप में दिखेंगे और किलर भी छोटा मोटा नहीं बल्कि फुल ऑन हथौड़ा त्यागी जैसी मर्डरर, जो अपने हथौड़ा के बल पे ही खून खराबा मचा रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि म्यूजिक और एक्शन के मामले में ये फिल्म रवि तेजा की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। बात करें म्यूजिक की तो BGM के मामले में तो देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। हाल ही में इनके म्यूजिक और BGM की तारीफ हुई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा के टीजर के टाइम, और इसके कुछ ही दिनों बाद खिलाड़ी के BGM को भी जनता से खूब प्यार मिल रहा है। जिस तरह रवि तेजा की लास्ट फिल्म क्रैक ने धमाल मचाया है, उसी तरह खिलाड़ी से भी इनकी काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। इसलिए तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी फिल्म को रिलीज कर सात सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल। कब रिलीज होगी ये फिल्म, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे।
फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमाघरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर है जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई। एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। रवि तेजा को मास महाराजा क्यों कहा जाता है? खिलाड़ी की किस शूट को इटली स्केड्यूल में क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी? क्या कोविड के चलते रवि तेजा स्टेप बैक कर गए हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फैन स्टार्स का नामकरण अपने स्टाइल में किया करती है। जहां बॉलीवुड में निकनेम रखे जाते हैं जैसे अकी, भाईजान, ग्रीक गॉड एक्सेट्रा, पर साउथ इंडियन सिनेमा में ये ट्रेंड कुछ अलग है। यहां मेन नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिए जाते हैं जो इन स्टार्स की एक पहचान बन जाते हैं, जैसे आइकन स्टार, रॉकिंग स्टार। साथ ही जनता बकायदा इस नामकरण का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो आज जानेंगे रवि तेजा का मास महाराजा कहलाए जाने का रीजन और इनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी के बारे में कुछ अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। रवि तेजा किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात नहीं रखते थे, इसलिए इन्हें टॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरू किया छोटे साइड रोल से और आते आते एक दिन इनके पास लीड रोल का भी मौका आया। तो इन्होंने इसे इतने कमाल तरीके से बुनाया कि ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया। अब बस एक चांस की देर थी। इसके बाद तो रवि तेजा ने ऐसी कमर्शियल फिल्मों की झड़ी लगा दी जिससे जनता को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने लगा। तो इसी कारण से इन्हें ऐसे स्टार्स के नाम से पहचाना जाने लगा जो मासेस के लिए सिनेमा बनाता है और मासेस की नब्ज इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह मास महाराजा रवि तेजा नाम से सिनोनिम हो गया। रवि तेजा ने हाल ही में अपने करियर की पीक सक्सेस का स्वाद चखा है क्रैक फिल्म के साथ। तो इसी फैंडम का क्विक बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने खिलाड़ी जैसा एक और खेल भी खेला। खिलाड़ी फिल्म की शूट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रवि तेजा फुल्ली चार्ज अप दिखे। कोविड की सिचुएशन में भी कुछ महीने पहले ये इटली में जाके स्केड्यूल पूरा कराए और एज एक्सपेक्टेड शूट में खासी दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम इटली में पधारी, वहां की गवर्नमेंट ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और अनन फनन में लॉकडाउन की घोषणा कर डाली। अब वैसे तो इटली टूरिज्म और शोर शराबे के लिए जाना जाता है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव ने सब कुछ हॉल्ट पे लाकर रख दिया। खिलाड़ी की टीम को इसी वजह से लिमिटेड मूवमेंट मिल पाई और रातों में तो निकलना भी दुभर हो गया था। तभी इन्होंने मेन शॉट ही लिए और अपने स्केड्यूल को कट शॉर्ट करके वापस इंडिया में आना पड़ गया। अब जब शूट ही आधी पर आधी हुई है तो खिलाड़ी की रिलीज डेडलाइन को पकड़ पाना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से इंडिया में हालत बदतर हो गए हैं, जो थिएटर रिलीज के लिए काम और भी खराब करने वाला है। इस कारण रवि तेजा, जो कि अभी तक मई रिलीज के लिए कमिटेड थे, वो भी स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हैं। खिलाड़ी की शूट को हाल फिलहाल की सिचुएशन में रोक दिया है और बाकी फिल्म्स की तरह इसका भी पोस्टपोन होना तय है समझो। इसका मतलब बाकी रिलीज की तरह खिलाड़ी का भी टीजर देख के ही सार लो, अभी डगर काफी कठिन होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में। जाइए जल्दी और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।
डीले में कसूरवार कौन? कैसे यूएई अथॉरिटीज ने खिलाड़ी शूट प्लान्स पर पानी फेर दिया है? पैंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को कितना घाटा हो चुका है? मास महाराजा रवि तेजा की नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी न जाने कितने टाइम से शूटिंग के जंजाल में ही अटकी है, बावजूद ढेर सारे टाइम के भी फिल्म पूरे होने में ही नहीं आ रही। और क्योंकि शूट को टाइम पर खत्म करने का सारा जिम्मा एक डायरेक्टर का होता है, इसलिए यहां भी डायरेक्टर रमेश को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन असल में डीले की वजह क्रू या कास्ट नहीं बल्कि कोई और ही है। खिलाड़ी की शूट कछुए की चाल में चल रही है, इसलिए रवि की थोड़ी नाराजगी तो बनती भी है। आखिर अपने बिजी शेड्यूल में ये काफी खींचतान कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से बनी बनाई फिल्म को साल डेढ़ साल तक डीले करना भी सही नहीं होगा। असलियत में शूटिंग डीले का सारा ठिकरा इस मेड इन चाइना पैंडेमिक पे फोड़ना चाहिए, जिसने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बाकी सभी बिजनेस को तहस नहस कर दिया है। खिलाड़ी की शूट काफी बार किश्तों में भी की गई है, और इसी स्टार्ट स्टॉप के चलते न केवल कास्ट एंड क्रू को परेशानियां झेलनी पड़ी, बाकी बजट में भी भारी गड़बड़ हो गई। टुकड़ों में शूट करने से फिल्म का खर्चा प्लान बजट से काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, सेट्स, आर्टिस्ट और डेली वेज वर्कर का एक्स्ट्रा खर्चा। यह दिक्कत खिलाड़ी के साथ भी हुई। इटली और इंडिया दोनों के शूट शेड्यूल में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लॉकडाउन लगते रहे, और अंत में खराब मैनेजमेंट का सारा इल्जाम तो जाहिर है डायरेक्टर पर ही आना था। इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिल्म के दो मेन सॉन्ग्स और कुछ सीन्स अभी बाकी है। हालांकि रवि और रमेश के बीच सुलह होती तो दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक में शूट रिस्टार्ट की जाएगी, पर यहां भी एक झोल है। बाकी बचे सीन्स दुबई में प्लान हुए थे, पर यूएई अथॉरिटीज अभी तक वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते खिलाड़ी के बने बनाए प्लान पे पानी फिर चुका है। तेजा के फिर से नाराज होने से पहले डायरेक्टर साहब ने अपने हैदराबाद को ही दुबई बनाने की सोची है, और आउटस्कर्ट्स पे खड़े कर दिए हैं विशाल सेट्स, क्योंकि वैसे भी सॉन्ग्स की लोकेशन देसी हो या विदेशी खास फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस कमाल की स्टोरी लाइन से मतलब है। पैंडेमिक के फिल्म इंडस्ट्री पर असर की बात करें तो बिजनेस वाइज सिनेमा को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इनमें रिलीज पोस्टपोन करने वाली काफी फिल्में भी शामिल है, जैसे की KGF 2, 83 सूर्यवंशी, और वो फिल्में भी शामिल है जिनका बजट स्टार्ट स्टॉप खेल से बिगड़ चुका है, जैसे कि खिलाड़ी, पुष्पा, RRR एक्सेट्रा। इस लॉस की भरपाई करने में टाइम तो काफी लगेगा, बशर्ते तीसरी वेव और भी ज्यादा कहर ना भर पा जाए। तो आज के वीडियो में बस। कौन है फिल्म की हीरोइन? क्या फिल्म में होंगी दो फीमेल लीड एक्ट्रेस? क्यों है फिल्म को दो हीरोइंस की जरूरत? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीक्रैट स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा जल्द ही अपनी फिल्म खिलाड़ी के साथ देश भर के थिएटर्स में एंट्री लेने वाले हैं। रवि तेजा का नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसे पहले भी उनकी कई फिल्में डब होकर यूट्यूब पर रिलीज की जाती रही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के बॉलीवुड में भी कई रीमेक बन चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब वो अपनी किसी फिल्म को साउथ की भाषा के साथ साथ ही हिंदी भाषा में भी रिलीज करेंगे, इसलिए उनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी देखने के लिए सिर्फ साउथ इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको रवि तेजा के साथ दो हीरोइंस देखने को मिलने वाली हैं। इन दो हीरोइंस में सबसे पहली हैं डिंपल हयाती, जिन्हें आपने हाल ही में हिंदी फिल्म अतरंगी रे में देखा होगा। हालांकि डिंपल ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं, वैसे इनके लिए फिल्म खिलाड़ी एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से ये पता चला है कि फिल्म को पैन इंडिया बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, तब से ही रवि तेजा के साथ फिल्म के बाकी स्टार कास्ट को भी फेम मिलते देखा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की दूसरी हीरोइन की, तो उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी, जिनका नाम हो सकता है आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि ये इनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ एक ही साउथ की फिल्म की है। इनके लिए फिल्म खिलाड़ी में इतना अहम रोल मिलना उनके करियर की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब फिल्म में हीरो एक ही है तो दो हीरोइंस की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें कि फिल्म में रवि तेजा का डबल रोल है, जिसके कारण फिल्म में आपको रवि तेजा के दोनों कैरेक्टर के लिए डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी हीरोइन के रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, जहां एक तरफ फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर जयंती लाल गागा हैं।
तो आप लोग बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में। पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है।
तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और मास महाराजा रवि तेजा का बिग स्क्रीन स्वैग काफी जबरदस्त रहता है, जो कि मासेस और क्लासेस दोनों को खूब भाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी इनके इसी अंदाज के कायल है। रवि की फिल्म चॉइस ही सलमान की पसंदीदा बनती जा रही है, जहाँ ये किक का हिंदी रीमेक तो कर ही चुके हैं और अब एक और रीमेक की फिराक में है। जानते हैं इसी डील के बारे में थोड़ा तफसील में। स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हस्ती चंद्रेसा। रवि ने लास्ट रिलीज क्रैक से सभी रिकॉर्ड्स क्रैक तो किए ही, पर इनकी नेक्स्ट रिलीज खिलाड़ी के टीजर भर से ही ये जरूर लग रहा है कि इनका बेस्ट अभी आना बाकी है। खिलाड़ी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है, जिसने ना केवल फैंस को बल्कि सलमान खान को भी उत्सुक बना दिया है। भाईजान इस कदर टीजर से इम्प्रेस हुए कि इसी के बलबूते इन्होंने खिलाड़ी फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदने में देर नहीं लगाई, जबकि फिल्म की रिलीज तो क्या अभी तक शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। शायद लगता है कि सलमान रवि तेजा के स्क्रिप्ट सेंस के ही तगड़े फैन बन चुके हैं और शायद ये भरोसा किक रीमेक के समय से ही बन चुका है। हालांकि ये भी साफ कर दे कि किक और खिलाड़ी दोनों काफी अलग मूवीज हैं, इसलिए शायद सलमान खिलाड़ी को उतना भी सुपरहिट ना बना पाए जितना उन्होंने किक रीमेक को बनाया था। खिलाड़ी एक साइको थ्रिलर है और इसके डबल रोल में रवि का स्वैग किलर लग रहा है, जबकि इसके हिंदी रीमेक में सलमान खास जचने वाले नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने क्राइम थ्रिलर बनाई ही नहीं है। भले ही भाई का स्टारडम वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इस साइको किलर कैरेक्टर में फिट शायद वो ना लगे, जिसका खौफ रवि ने सिर्फ टीजर से ही बयां कर दिया है। सलमान की स्ट्रेंथ एक्शन ह्यूमरस कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि चुलबुल, देवीलाल एक्सेट्रा, पर अब इन्हें एक आउट एंड आउट साइको थ्रिलर में डबल रोल निभाना है तो डाउट होना तो लाजमी है। वहीं रवि तेजा साइको थ्रिलर फिल्में काफी समय से करते आए हैं, जैसे कि ऑफिल। इनके परफॉर्मेंस इसी तरह की फिल्मों में खासम खास रहते हैं। खिलाड़ी के टीजर में इनका अनप्रिडिक्टेबल नेचर एक लुक में ही जाहिर हो जाता है, लेकिन सलमान सिर्फ एक्सप्रेशन से एक साइको कैरेक्टर दर्शा पाएंगे, इस बात में अभी थोड़ा डाउट है। बात करें रिलीज से पहले राइट्स बिकने की, तो खिलाड़ी के साथ ही ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिट साउथ इंडियन फिल्म्स डियर कॉमरेड के राइट्स भी करण जौहर ने पहले ही खरीद लिए थे और बल्कि अभी तक भी संजो के रखे हैं। तो वही कन्नड़ा हिट मथे उद्भव के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ये राइट शायद पिछले हिट रिकॉर्ड को देखने के लिए सिक्योर किए जाते हैं। जहाँ किक के ब्लॉकबस्टर होने के बाद खिलाड़ी के बिक गए, तो वही कबीर सिंह के बाद डियर कॉमरेड के। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में खिलाड़ी के बैकग्राउंड को कहीं से कॉपी किया है? क्या डीएसपी पर पहले भी बीजीएम कॉपी के संगीन आरोप लगे हैं? फिल्मों में म्यूजिक की इम्पोर्टेंस हम इंडियन से ज्यादा कौन ही समझ पाएगा? स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से परफेक्ट फिट सॉन्ग्स और कभी कभार अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स की इजाद तो इंडियन फिल्म्स में ही की है। अब तो आलम ये हो चुका है कि जिस फिल्म में गाना ना हो वो फिल्म अधूरी सी लगती है, लेकिन म्यूजिक को तो अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाता है और सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं, उनकी चकाचौंध में बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं खो सा जाता है। हालांकि कभी कभी तो बीजीएम ही स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट काम अकेले निपटा लेता है, लेकिन तभी भी इसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरफ दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज हम इसी बैकग्राउंड एलिमेंट को फ्रंट में लाकर इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे यानी कि पंखुरी के साथ, और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमने पिछले कुछ सालों में सिनेमा के हर एक एस्पेक्ट में फिनोमिनल ग्रोथ देखी है और इसी रिवोल्यूशन का पार्ट बीजीएम भी रहा है। पिछले कुछ एक मूवीज को अगर उठा के देखें तो बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में म्यूजिशियंस ने बॉल सीधा बाउंड्री के पार मारी है। प्लीजिंग सॉन्ग्स बनाने के साथ साथ म्यूजिशियंस कैची बीट्स वाले बीजीएम बनाने पे भी खास ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए बीजीएम लवर्स का तो एक खास फैंडम ही क्रिएट हो गया है। बीजीएम की इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टोरी में डायलॉग्स और एक्टिंग के साथ बीजीएम भी स्टोरी टेलिंग में काफी अहमियत रखता है।
कई बार तो बिना किसी डायलॉग या विजुअल के बीजीएम ही ऑडियंस तक डिजायर मैसेज पहुंचाने में सफल रहता है। आर्ट की हर एक फील्ड की तरह ही म्यूजिक में भी सभी इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस करने की ताकत होती है, और ऑल्दो हिट सीक्वेंसेस में चार चांद लगा कर देते हैं, बीजीएम हर इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्शन के लिए हमने कैथी और वॉर के म्यूजिक को सराहा था, तो वहीं कॉमेडी फिल्म्स में जाति रत्नालों के म्यूजिक पर भी ह्यूमर क्रिएट किया था। सस्पेंस के मामले में रत्सासन और अंधाधुन के म्यूजिक ने हमें लगातार अपने सीट पर बनाए रखा था, तो वहीं ऐ दिल है मुश्किल में रोमांस को बीजीएम ने काफी निखारा था। बस यही नहीं बल्कि और जितने भी इमोशंस होते हैं उन सभी को अमलजामा पहनाकर बीजीएम परफेक्टली काम करता है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग में अपना पार्ट बीजीएम बखूबी निभा जाता है। हाल ही की रवि तेजा की खिलाड़ी फिल्म टीजर का बीजीएम भी हमें काफी कैची सा लगा था, लेकिन इसके रिलीज के दो दिन बाद ही क्रिएटर देवी श्री प्रसाद पे बीजीएम कॉपी का संगीन आरोप लगना शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि इसका बीजीएम कॉपीड है खिलाड़ी नंबर 150 फिल्म से, तो कुछ ने दावा ठोका कि ये कॉपीड है प्रभास की साहो से। अब हमने अपने लेवल पे भी तफ्तीश की तो पाया कि सिमिलैरिटी तो जरूर है और कॉपी की बू आ रही है। देवी श्री प्रसाद को इसी कॉपी एलिगेशंस के लिए काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इन्हें ऐसे इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। सेम टाइम पर पुष्पा का भी टीजर रिलीज किया गया था जिसका म्यूजिक कंपोजर देवी प्रसाद ही है, और इसके बीजीएम को भी बेबी और एवेंजर्स एंडगेम से चुराया हुआ बताया जा रहा है। अब जाने अनजाने ही सही, लेकिन अगर बार बार एलिगेशंस के कटघरे में डीएसपी ही फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रीतम दा की तरह इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की थिन लाइन को पार कर रहे हैं, और जब जब ऐसा करेंगे जनता तो जरूर ही पकड़ लेगी। खिलाड़ी के बीजीएम के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना। कब होगी रवि तेजा की खिलाड़ी की हिंदी रिलीज? खिलाड़ी की हिंदी रिलीज से किसको होगा नुकसान? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वो भी कोरोना काल में। इसी को देखते हुए जब बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी फिल्मों को रिलीज करने में हिचक रहे थे, वहीं रवि तेजा ने अपनी फिल्म खिलाड़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रवि तेजा के लोकप्रियता को देखकर उन्हें मास्क महाराजा भी कहा जाता है। उनकी डब की हुई फिल्में हिंदी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है जबकि इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल है। इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी हमें नजर आने वाली है। इससे पहले वो विक्रमार कुड्डू में भी डबल रोल करते हुए नजर आ चुके हैं। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में उनकी इस फिल्म का रीमेक राउडी राठौर के नाम से बना था। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्या रवि तेजा भी अल्लू अर्जुन जितना प्यार बटोर पाते हैं? तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल? कब रिलीज होगी ये फिल्म? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे। फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें, रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में
उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई, एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। जल्दी से बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके आ जाइए। रवि तेजा पैंडेमिक के इस माहौल में पहले भी काफी डेयरिंग दिखा चुके हैं, जहां इन्होंने अपनी लास्ट फिल्म क्रैक को थिएटर्स में रिलीज किया था और इस रिस्क का पूरा फल इन्हें मिला भी। जनता ने क्रैक मूवी को इनकी करियर की हाईएस्ट ग्रोसर बना डाला। तो इसी मैजिक के एक और बड़ा उम्मीद करते हुए रवि फिर एक बार रिस्क लेने जा रहे हैं और इस बार तो रिस्क पहले से ही डेयरिंग है। रवि अपनी नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी को 28 मई पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया में थिएटर्स ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा कम हो गई है। इवन इनके अपने स्टेट में भी थिएटर्स में सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी दी गई है, लेकिन रवि अड़े हुए हैं अपनी डिमांड पर और चाहते हैं 28 मई की रिलीज ही। अब ये रिस्क पहले से बड़ा इसलिए है क्योंकि क्रैक के समय कोविड की सेकेंड वेव इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब हो चुकी है और जनता की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए शायद गवर्नमेंट थिएटर कैपेसिटी और भी कम कर दे। तो कहीं जोश जोश में रवि बाबू होश ही ना खो बैठे और खुद ही घाटे को सौदा खेल जाए। बात करें खिलाड़ी की तो टीजर से तो ये फिल्म कमाल लग रही है और नॉन पैंडमिक रिलीज में तो जरूर सुपरहिट होने का मादा रखती है। रवि तेजा की इस मच अवेटेड फिल्म खिलाड़ी का टीजर काफी सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ है, जहां ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइको किलर के रूप में दिखेंगे और किलर भी छोटा मोटा नहीं बल्कि फुल ऑन हथौड़ा त्यागी जैसी मर्डरर जो अपने हथौड़ा के बल पे ही खून खराबा मचा रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि म्यूजिक और एक्शन के मामले में ये फिल्म रवि तेजा की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। बात करें म्यूजिक की तो BGM के मामले में तो देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। हाल ही में इनके म्यूजिक और BGM की तारीफ हुई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा के टीजर के टाइम और इसके कुछ ही दिनों बाद खिलाड़ी के BGM को भी जनता से खूब प्यार मिल रहा है। जिस तरह रवि तेजा की लास्ट फिल्म क्रैक ने धमाल मचाया है, उसी तरह खिलाड़ी से भी इनकी काफी उम्मीदें बंधी हुई है। इसलिए तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी फिल्म को रिलीज कर सात सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल। कब रिलीज होगी ये फिल्म, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे।
फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर है जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई। एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। रवि तेजा को मास महाराजा क्यों कहा जाता है? खिलाड़ी की किस शूट को इटली स्केड्यूल में क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी? क्या कोविड के चलते रवि तेजा स्टेप बैक कर गए हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फैन स्टार्स का नामकरण अपने स्टाइल में किया करती है। जहां बॉलीवुड में निकनेम रखे जाते हैं जैसे अकी, भाईजान, ग्रीक गॉड एक्सेट्रा, पर साउथ इंडियन सिनेमा में ये ट्रेंड कुछ अलग है। यहां मेन नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिए जाते हैं जो इन स्टार्स की एक पहचान बन जाते हैं, जैसे आइकन स्टार, रॉकिंग स्टार। साथ ही जनता बकायदा इस नामकरण का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो आज जानेंगे रवि तेजा का मास महाराजा कहलाए जाने का रीजन और इनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी के बारे में कुछ अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। रवि तेजा किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात नहीं रखते थे, इसलिए इन्हें टॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरू किया छोटे साइड रोल से और आते आते एक दिन इनके पास लीड रोल का भी मौका आया। तो इन्होंने इसे इतने कमाल तरीके से बुनाया कि ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया। अब बस एक चांस की देर थी। इसके बाद तो रवि तेजा ने ऐसी कमर्शियल फिल्मों की झड़ी लगा दी जिससे जनता को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने लगा। तो इसी कारण से इन्हें ऐसे स्टार्स के नाम से पहचाना जाने लगा जो मासेस के लिए सिनेमा बनाता है और मासेस की नब्स इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह मास महाराजा रवि तेजा नाम से सिनोनिम हो गया। रवि तेजा ने हाल ही में अपने करियर की पीक सक्सेस का स्वाद चखा है क्रैक फिल्म के साथ। तो इसी फैंडम का क्विक बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने खिलाड़ी जैसा एक और खेल भी खेला। खिलाड़ी फिल्म की शूट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रवि तेजा फुल्ली चार्ज अप दिखे। कोविड की सिचुएशन में भी कुछ महीने पहले ये इटली में जाके स्केड्यूल पूरा कराए और एज एक्सपेक्टेड शूट में खासी दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम इटली में पधारी, वहां की गवर्नमेंट ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और अनन फनन में लॉकडाउन की घोषणा कर डाली। अब वैसे तो इटली टूरिज्म और शोर शराबे के लिए जाना जाता है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव ने सब कुछ हॉल्ट पे लाकर रख दिया। खिलाड़ी की टीम को इसी वजह से लिमिटेड मूवमेंट मिल पाई और रातों में तो निकलना भी दुभर हो गया था। तभी इन्होंने मेन शॉट ही लिए और अपने स्केड्यूल को कट शॉर्ट करके वापस इंडिया में आना पड़ गया। अब जब शूट ही आधी पर आधी हुई है तो खिलाड़ी की रिलीज डेडलाइन को पकड़ पाना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से इंडिया में हालत बदतर हो गए हैं, जो थिएटर रिलीज के लिए काम और भी खराब करने वाला है। इस कारण रवि तेजा, जो कि अभी तक मई रिलीज के लिए कमिटेड थे, वो भी स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हैं। खिलाड़ी की शूट को हाल फिलहाल की सिचुएशन में रोक दिया है और बाकी फिल्म्स की तरह इसका भी पोस्टपोन होना तय है समझो। इसका मतलब बाकी रिलीज की तरह खिलाड़ी का भी टीजर देख के ही सार लो, अभी डगर काफी कठिन होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में। जाइए जल्दी और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।
डीले में कसूरवार कौन, कैसे यूएई अथॉरिटीज ने खिलाड़ी शूट प्लान्स पर पानी फेर दिया है, पैंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को कितना घाटा हो चुका है, मास महाराजा रवि तेजा की नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी न जाने कितने टाइम से शूटिंग के जंजाल में ही अटकी है, बावजूद ढेर सारे टाइम के भी फिल्म पूरे होने में ही नहीं आ रही, और क्योंकि शूट को टाइम पर खत्म करने का सारा जिम्मा एक डायरेक्टर का होता है, इसलिए यहां भी डायरेक्टर रमेश को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन असल में डीले की वजह क्रू या कास्ट नहीं बल्कि कोई और ही है। खिलाड़ी की शूट कछुए की चाल में चल रही है, इसलिए रवि की थोड़ी नाराजगी तो बनती भी है। आखिर अपने बिजी शेड्यूल में ये काफी खींचतान कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से बनी बनाई फिल्म को साल डेढ़ साल तक डीले करना भी सही नहीं होगा। असलियत में शूटिंग डीले का सारा ठिकरा इस मेड इन चाइना पेंडेमिक पे फोड़ना चाहिए, जिसने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बाकी सभी बिजनेस को तहस नहस कर दिया है। खिलाड़ी की शूट काफी बार किश्तों में भी की गई है, और इसी स्टार्ट स्टॉप के चलते न केवल कास्ट एंड क्रू को परेशानियां झेलनी पड़ी, बाकी बजट में भी भारी गड़बड़ हो गई। टुकड़ों में शूट करने से फिल्म का खर्चा प्लान बजट से काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, सेट्स, आर्टिस्ट और डेली वेज वर्कर का एक्स्ट्रा खर्चा। यह दिक्कत खिलाड़ी के साथ भी हुई, इटली और इंडिया दोनों के शूट शेड्यूल में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लॉकडाउन लगते रहे, और अंत में खराब मैनेजमेंट का सारा इल्जाम तो जाहिर है डायरेक्टर पर ही आना था। इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिल्म के दो मेन सॉन्ग्स और कुछ सीन्स अभी बाकी है। हालांकि रवि और रमेश के बीच सुलह होती तो दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक में शूट रिस्टार्ट की जाएगी, पर यहां भी एक झोल है। बाकी बचे सीन्स दुबई में प्लान हुए थे, पर यूएई अथॉरिटीज अभी तक वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते खिलाड़ी के बने बनाए प्लान पे पानी फिर चुका है। तेजा के फिर से नाराज होने से पहले डायरेक्टर साहब ने अपने हैदराबाद को ही दुबई बनाने की सोची है, और आउटस्कर्ट्स पे खड़े कर दिए हैं विशाल सेट्स, क्योंकि वैसे भी सॉन्ग्स की लोकेशन देसी हो या विदेशी खास फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस कमाल की स्टोरी लाइन से मतलब है। पैंडेमिक के फिल्म इंडस्ट्री पर असर की बात करें तो बिजनेस वाइज सिनेमा को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इनमें रिलीज पोस्टपोन करने वाली काफी फिल्में भी शामिल है, जैसे कि KGF 2, 83, सूर्यवंशी, और वो फिल्में भी शामिल है जिनका बजट स्टार्ट स्टॉप खेल से बिगड़ चुका है, जैसे कि खिलाड़ी, पुष्पा, RRR एक्सेट्रा। इस लॉस की भरपाई करने में टाइम तो काफी लगेगा, बशर्ते तीसरी वेव और भी ज्यादा कहर ना भर पा जाए। तो आज के वीडियो में बस। कौन है फिल्म की हीरोइन? क्या फिल्म में होंगी दो फीमेल लीड एक्ट्रेस? क्यों है फिल्म को दो हीरोइंस की जरूरत? So hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel, Polycrat Studios. मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा जल्द ही अपनी फिल्म खिलाड़ी के साथ देश भर के थिएटर्स में एंट्री लेने वाले हैं। रवि तेजा का नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसे पहले भी उनकी कई फिल्में डब होकर YouTube पर रिलीज की जाती रही हैं। साथ ही उनकी फिल्मों के बॉलीवुड में भी कई रीमेक बन चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब वो अपनी किसी फिल्म को साउथ की भाषा के साथ साथ ही हिंदी भाषा में भी रिलीज करेंगे। इसलिए उनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी देखने के लिए सिर्फ साउथ इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको रवि तेजा के साथ दो हीरोइंस देखने को मिलने वाली हैं। इन दो हीरोइंस में सबसे पहली हैं डिंपल हयाती, जिन्हें आपने हाल ही में हिंदी फिल्म अतरंगी रे में देखा होगा। हालांकि डिंपल ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं, वैसे इनके लिए फिल्म खिलाड़ी एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से ये पता चला है कि फिल्म को पैन इंडिया बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, तब से ही रवि तेजा के साथ फिल्म के बाकी स्टार कास्ट को भी फेम मिलते देखा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की दूसरी हीरोइन की, तो उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी, जिनका नाम हो सकता है आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि ये इनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ एक ही साउथ की फिल्म की है। इनके लिए फिल्म खिलाड़ी में इतना अहम रोल मिलना उनके करियर की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब फिल्म में हीरो एक ही है तो दो हीरोइंस की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें कि फिल्म में रवि तेजा का डबल रोल है, जिसके कारण फिल्म में आपको रवि तेजा के दोनों कैरेक्टर के लिए डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी हीरोइन के रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। जहां एक तरफ फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर जयंती लाल गागा हैं। तो आप लोग बताएं कि आप इस फिल्म को
अपने कमेंट्स हमारे पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में। पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद?
क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और मास महाराजा रवि तेजा का बिग स्क्रीन स्वैग काफी जबरदस्त रहता है, जो कि मासेस और क्लासेस दोनों को खूब भाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी इनके इसी अंदाज के कायल है। रवि की फिल्म चॉइस ही सलमान की पसंदीदा बनती जा रही है, जहाँ ये किक का हिंदी रीमेक तो कर ही चुके हैं और अब एक और रीमेक की फिराक में है। जानते हैं इसी डील के बारे में थोड़ा तफसील में। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हस्ती चंद्रेसा। रवि ने लास्ट रिलीज क्रैक से सभी रिकॉर्ड्स क्रैक तो किए ही, पर इनकी नेक्स्ट रिलीज खिलाड़ी के टीजर भर से ही ये जरूर लग रहा है कि इनका बेस्ट अभी आना बाकी है। खिलाड़ी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है, जिसने ना केवल फैंस को बल्कि सलमान खान को भी उत्सुक बना दिया है। भाईजान इस कदर टीजर से इम्प्रेस हुए कि इसी के बलबूते इन्होंने खिलाड़ी फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदने में देर नहीं लगाई, जबकि फिल्म की रिलीज तो क्या अभी तक शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। शायद लगता है कि सलमान रवि तेजा के स्क्रिप्ट सेंस के ही तगड़े फैन बन चुके हैं और शायद ये भरोसा कि रीमेक के समय से ही बन चुका है। हालांकि ये भी साफ कर दे कि किक और खिलाड़ी दोनों काफी अलग मूवीज हैं, इसलिए शायद सलमान खिलाड़ी को उतना भी सुपरहिट ना बना पाए जितना उन्होंने किक रीमेक को बनाया था। खिलाड़ी एक साइको थ्रिलर है और इसके डबल रोल में रवि का स्वैग किलर लग रहा है, जबकि इसके हिंदी रीमेक में सलमान खास जचने वाले नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने क्राइम थ्रिलर बनाई ही नहीं है। भले ही भाई का स्टारडम वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इस साइको किलर कैरेक्टर में फिट शायद वो ना लगे, जिसका खौफ रवि ने सिर्फ टीजर से ही बयां कर दिया है। सलमान की स्ट्रेंथ एक्शन ह्यूमरस कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि चुलबुल, देवीलाल एक्सेट्रा, पर अब इन्हें एक आउट एंड आउट साइको थ्रिलर में डबल रोल निभाना है तो डाउट होना तो लाजमी है। वहीं रवि तेजा साइको थ्रिलर फिल्में काफी समय से करते आए हैं, जैसे कि ऑफिल। इनके परफॉर्मेंस इसी तरह की फिल्मों में खासम खास रहते हैं। खिलाड़ी के टीजर में इनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर एक लुक में ही जाहिर हो जाता है, लेकिन सलमान सिर्फ एक्सप्रेशन से एक साइको कैरेक्टर दर्शा पाएंगे, इस बात में अभी थोड़ा डाउट है। बात करें रिलीज से पहले राइट्स बिकने की, तो खिलाड़ी के साथ ही ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिट साउथ इंडियन फिल्म्स डियर कॉमरेड के राइट्स भी करण जौहर ने पहले ही खरीद लिए थे और बल्कि अभी तक भी संजो के रखे हैं। तो वही कन्नड़ा हिट मथे उद्भव के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ये राइट शायद पिछले हिट रिकॉर्ड को देखने के लिए सिक्योर किए जाते हैं। जहाँ किक के ब्लॉकबस्टर होने के बाद खिलाड़ी के बिक गए, तो वही कबीर सिंह के बाद डियर कॉमरेड के। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। साथ में खिलाड़ी के बैकग्राउंड को कहीं से कॉपी किया है? क्या डीएसपी पर पहले भी बीजीएम कॉपी के संगीन आरोप लगे हैं? फिल्मों में म्यूजिक की इम्पोर्टेंस हम इंडियन से ज्यादा कौन ही समझ पाएगा? स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से परफेक्ट फिट सॉन्ग्स और कभी कभार अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स की इजाद तो इंडियन फिल्म्स में ही की है। अब तो आलम ये हो चुका है कि जिस फिल्म में गाना ना हो वो फिल्म अधूरी सी लगती है, लेकिन म्यूजिक को तो अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाता है और सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं, उनकी चकाचौंध में बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं खो सा जाता है। हालांकि कभी कभी तो बीजीएम ही स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट काम अकेले निपटा लेता है, लेकिन तभी भी इसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरफ दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज हम इसी बैकग्राउंड एलिमेंट को फ्रंट में लाकर इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे यानी कि पंखुरी के साथ और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमने पिछले कुछ सालों में सिनेमा के हर एक एस्पेक्ट में फिनोमिनल ग्रोथ देखी है और इसी रिवोल्यूशन का पार्ट बीजीएम भी रहा है। पिछले कुछ एक मूवीज को अगर उठा के देखें तो बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में म्यूजिशियंस ने बॉल सीधा बाउंड्री के पार मारी है। प्लीजिंग सॉन्ग्स बनाने के साथ साथ म्यूजिशियंस कैची बीट्स वाले बीजीएम बनाने पे भी खास ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए बीजीएम लवर्स का तो एक खास फैंडम ही क्रिएट हो गया है। बीजीएम की इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टोरी में डायलॉग्स और एक्टिंग के साथ बीजीएम भी स्टोरी टेलिंग में काफी अहमियत रखता है।
कई बार तो बिना किसी डायलॉग या विजुअल के बीजीएम ही ऑडियंस तक डिजायर मैसेज पहुंचाने में सफल रहता है। आर्ट की हर एक फील्ड की तरह ही म्यूजिक में भी सभी इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस करने की ताकत होती है, और ऑल्दो हिट सीक्वेंसेस में चार चांद लगा कर देते हैं, बीजीएम हर इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्शन के लिए हमने कैथी और वॉर के म्यूजिक को सराहा था, तो वहीं कॉमेडी फिल्म्स में जाति रत्नालो के म्यूजिक पर भी ह्यूमर क्रिएट किया था। सस्पेंस के मामले में रत्सासन और अंधाधुन के म्यूजिक ने हमें लगातार अपने सीट पर बनाए रखा था, तो वहीं ऐ दिल है मुश्किल में रोमांस को बीजीएम ने काफी निखारा था। बस यही नहीं, बल्कि और जितने भी इमोशंस होते हैं उन सभी को अमलजामा पहनाकर बीजीएम परफेक्टली काम करता है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग में अपना पार्ट बीजीएम बखूबी निभा जाता है। हाल ही की रवि तेजा की खिलाड़ी फिल्म टीजर का बीजीएम भी हमें काफी कैची सा लगा था, लेकिन इसके रिलीज के दो दिन बाद ही क्रिएटर देवी श्री प्रसाद पे बीजीएम कॉपी का संगीन आरोप लगना शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि इसका बीजीएम कॉपीड है खिलाड़ी नंबर 150 फिल्म से, तो कुछ ने दावा ठोका कि ये कॉपीड है प्रभास की साहो से। अब हमने अपने लेवल पे भी तफ्तीश की तो पाया कि सिमिलैरिटी तो जरूर है और कॉपी की बू आ रही है। देवी श्री प्रसाद को इसी कॉपी एलिगेशंस के लिए काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इन्हें ऐसे इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। सेम टाइम पर पुष्पा का भी टीजर रिलीज किया गया था, जिसका म्यूजिक कंपोजर देवी प्रसाद ही है, और इसके बीजीएम को भी बेबी और एवेंजर्स एंडगेम से चुराया हुआ बताया जा रहा है। अब जाने अनजाने ही सही, लेकिन अगर बार बार एलिगेशंस के कटघरे में डीएसपी ही फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रीतम दा की तरह इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की थिन लाइन को पार कर रहे हैं, और जब जब ऐसा करेंगे जनता तो जरूर ही पकड़ लेगी। खिलाड़ी के बीजीएम के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना। कब होगी रवि तेजा की खिलाड़ी की हिंदी रिलीज? खिलाड़ी की हिंदी रिलीज से किसको होगा नुकसान? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. अल्लू अर्जुन की पुष्पा की हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वो भी कोरोना काल में। इसी को देखते हुए जब बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी फिल्मों को रिलीज करने में हिचक रहे थे, वहीं रवि तेजा ने अपनी फिल्म खिलाड़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रवि तेजा के लोकप्रियता को देखकर उन्हें मास महाराजा भी कहा जाता है। उनकी डब की हुई फिल्में हिंदी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल हैं। इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी हमें नजर आने वाली हैं। इससे पहले वो विक्रमार गुड्डू में भी डबल रोल करते हुए नजर आ चुके हैं। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में उनकी इस फिल्म का रीमेक राउडी राठौर के नाम से बना था। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्या रवि तेजा भी अल्लू अर्जुन जितना प्यार बटोर पाते हैं? तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल? कब रिलीज होगी ये फिल्म? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे, और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है, जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते, जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे। फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें, रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में
उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर है जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई, एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। जल्दी से बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके आ जाइए। रवि तेजा पैंडेमिक के इस माहौल में पहले भी काफी डेयरिंग दिखा चुके हैं, जहां इन्होंने अपनी लास्ट फिल्म क्रैक को थिएटर्स में रिलीज किया था और इस रिस्क का पूरा फल इन्हें मिला भी। जनता ने क्रैक मूवी को इनकी करियर की हाईएस्ट ग्रोसर बना डाला। तो इसी मैजिक के एक और बड़ा उम्मीद करते हुए रवि फिर एक बार रिस्क लेने जा रहे हैं और इस बार तो रिस्क पहले से भी डेयरिंग है। रवि अपनी नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी को 28 मई पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया में थिएटर्स ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा कम हो गई है। इवन इनके अपने स्टेट में भी थिएटर्स में सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी दी गई है, लेकिन रवि अड़े हुए हैं अपनी डिमांड पर और चाहते हैं 28 मई की रिलीज ही। अब ये रिस्क पहले से बड़ा इसलिए है क्योंकि क्रैक के समय कोविड की सेकेंड वेव इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब हो चुकी है और जनता की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए शायद गवर्नमेंट थिएटर कैपेसिटी और भी कम कर दे। तो कहीं जोश जोश में रवि बाबू होश ही ना खो बैठे और खुद ही घाटे को सौदा खेल जाए। बात करें खिलाड़ी की तो टीजर से तो ये फिल्म कमाल लग रही है और नॉन पैंडमिक रिलीज में तो जरूर सुपरहिट होने का मादा रखती है। रवि तेजा की इस मच अवेटेड फिल्म खिलाड़ी का टीजर काफी सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ है, जहां ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइको किलर के रूप में दिखेंगे और किलर भी छोटा मोटा नहीं बल्कि फुल ऑन हथौड़ा त्यागी जैसी मर्डरर जो अपने हथौड़ा के बल पे ही खून खराबा मचा रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि म्यूजिक और एक्शन के मामले में ये फिल्म रवि तेजा की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। बात करें म्यूजिक की तो BGM के मामले में तो देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। हाल ही में इनके म्यूजिक और BGM की तारीफ हुई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा के टीजर के टाइम और इसके कुछ ही दिनों बाद खिलाड़ी के BGM को भी जनता से खूब प्यार मिल रहा है। जिस तरह रवि तेजा की लास्ट फिल्म क्रैक ने धमाल मचाया है, उसी तरह खिलाड़ी से भी इनकी काफी उम्मीदें बंधी हुई है, इसलिए तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी फिल्म को रिलीज कर। सात सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल, कब रिलीज होगी ये फिल्म, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे।
फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई। एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। रवि तेजा को मास महाराजा क्यों कहा जाता है? खिलाड़ी की किस शूट को इटली स्केड्यूल में क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी? क्या कोविड के चलते रवि तेजा स्टेप बैक कर गए हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फैन स्टार्स का नामकरण अपने स्टाइल में किया करती है। जहां बॉलीवुड में निकनेम रखे जाते हैं जैसे अकी, भाईजान, ग्रीक गॉड एक्सेट्रा, पर साउथ इंडियन सिनेमा में ये ट्रेंड कुछ अलग है। यहां मेन नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिए जाते हैं जो इन स्टार्स की एक पहचान बन जाते हैं, जैसे आइकन स्टार, रॉकिंग स्टार। साथ ही जनता बकायदा इस नामकरण का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो आप जानेंगे रवि तेजा का मास महाराजा कहलाए जाने का रीजन और इनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी के बारे में कुछ अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। रवि तेजा किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात नहीं रखते थे, इसलिए इन्हें टॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरू किया छोटे साइड रोल से और आते आते एक दिन इनके पास लीड रोल का भी मौका आया। तो इन्होंने इसे इतने कमाल तरीके से बुनाया कि ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया। अब बस एक चांस की देर थी। इसके बाद तो रवि तेजा ने ऐसी कमर्शियल फिल्मों की झड़ी लगा दी जिससे जनता को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने लगा। तो इसी कारण से इन्हें ऐसे स्टार्स के नाम से पहचाना जाने लगा जो मासेस के लिए सिनेमा बनाता है और मासेस की नब्ज इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह मास महाराजा रवि तेजा नाम से सिनोनिम हो गया। रवि तेजा ने हाल ही में अपने करियर की पीक सक्सेस का स्वाद चखा है क्रैक फिल्म के साथ। तो इसी फैंडम का क्विक बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने खिलाड़ी जैसा एक और खेल भी खेला। खिलाड़ी फिल्म की शूट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रवि तेजा फुल्ली चार्ज अब दिखे। कोविड की सिचुएशन में भी कुछ महीने पहले ये इटली में जाके स्केड्यूल पूरा कराए और एज एक्सपेक्टेड शूट में खासी दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम इटली में पधारी, वहां की गवर्नमेंट ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और अनन फनन में लॉकडाउन की घोषणा कर डाली। अब वैसे तो इटली टूरिज्म और शोर शराबे के लिए जाना जाता है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव ने सब कुछ हॉल्ट पे लाकर रख दिया। खिलाड़ी की टीम को इसी वजह से लिमिटेड मूवमेंट मिल पाई और रातों में तो निकलना भी दुभर हो गया था। तभी इन्होंने मेन शॉट ही लिए और अपने स्केड्यूल को कट शॉर्ट करके वापस इंडिया में आना पड़ गया। अब जब शूट ही आधी पर आधी हुई है तो खिलाड़ी की रिलीज डेडलाइन को पकड़ पाना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से इंडिया में हालत बदतर हो गए हैं, जो थिएटर रिलीज के लिए काम और भी खराब करने वाला है। इस कारण रवि तेजा, जो कि अभी तक मई रिलीज के लिए कमिटेड थे, वो भी स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हैं। खिलाड़ी की शूट को हाल फिलहाल की सिचुएशन में रोक दिया है और बाकी फिल्म्स की तरह इसका भी पोस्टपोन होना तय है समझो। इसका मतलब बाकी रिलीज की तरह खिलाड़ी का भी टीजर देख के ही सार लो, अभी डगर काफी कठिन होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में। जाइए जल्दी और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।
डीले में कसूरवार कौन? कैसे यूएई अथॉरिटीज ने खिलाड़ी शूट प्लान्स पर पानी फेर दिया है? पैंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को कितना घाटा हो चुका है? मास महाराजा रवि तेजा की नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी न जाने कितने टाइम से शूटिंग के जंजाल में ही अटकी है, बावजूद ढेर सारे टाइम के भी फिल्म पूरे होने में ही नहीं आ रही। और क्योंकि शूट को टाइम पर खत्म करने का सारा जिम्मा एक डायरेक्टर का होता है, इसलिए यहां भी डायरेक्टर रमेश को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन असल में डीले की वजह क्रू या कास्ट नहीं बल्कि कोई और ही है। खिलाड़ी की शूट कछुए की चाल में चल रही है, इसलिए रवि की थोड़ी नाराजगी तो बनती भी है। आखिर अपने बिजी शेड्यूल में ये काफी खींचतान कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से बनी बनाई फिल्म को साल डेढ़ साल तक डीले करना भी सही नहीं होगा। असलियत में शूटिंग डीले का सारा ठिकरा इस मेड इन चाइना पैंडेमिक पे फोड़ना चाहिए, जिसने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बाकी सभी बिजनेस को तहस नहस कर दिया है। खिलाड़ी की शूट काफी बार किश्तों में भी की गई है, और इसी स्टार्ट स्टॉप के चलते न केवल कास्ट एंड क्रू को परेशानियां झेलनी पड़ी, बाकी बजट में भी भारी गड़बड़ हो गई। टुकड़ों में शूट करने से फिल्म का खर्चा प्लान बजट से काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता है। सेट्स, आर्टिस्ट और डेली वेज वर्कर का एक्स्ट्रा खर्चा, यह दिक्कत खिलाड़ी के साथ भी हुई। इटली और इंडिया दोनों के शूट शेड्यूल में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लॉकडाउन लगते रहे, और अंत में खराब मैनेजमेंट का सारा इल्जाम तो जाहिर है डायरेक्टर पर ही आना था। इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिल्म के दो मेन सॉन्ग्स और कुछ सीन्स अभी बाकी है। हालांकि रवि और रमेश के बीच सुलह होती तो दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक में शूट रिस्टार्ट की जाएगी, पर यहां भी एक झोल है। बाकी बचे सीन्स दुबई में प्लान हुए थे, पर यूएई अथॉरिटीज अभी तक वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते खिलाड़ी के बने बनाए प्लान पे पानी फिर चुका है। तेजा के फिर से नाराज होने से पहले डायरेक्टर साहब ने अपने हैदराबाद को ही दुबई बनाने की सोची है, और आउटस्कर्ट्स पे खड़े कर दिए हैं विशाल सेट्स, क्योंकि वैसे भी सॉन्ग्स की लोकेशन देसी हो या विदेशी खास फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस कमाल की स्टोरी लाइन से मतलब है। पैंडेमिक के फिल्म इंडस्ट्री पर असर की बात करें तो बिजनेस वाइज सिनेमा को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इनमें रिलीज पोस्टपोन करने वाली काफी फिल्में भी शामिल है, जैसे की KGF 2, 83, सूर्यवंशी, और वो फिल्में भी शामिल है जिनका बजट स्टार्ट स्टॉप खेल से बिगड़ चुका है, जैसे कि खिलाड़ी, पुष्पा, RRR एक्सेट्रा। इस लॉस की भरपाई करने में टाइम तो काफी लगेगा, बशर्ते तीसरी वेव और भी ज्यादा कहर ना भर पा जाए। तो आज के वीडियो में बस। कौन है फिल्म की हीरोइन? क्या फिल्म में होंगी दो फीमेल लीड एक्ट्रेस? क्यों है फिल्म को दो हीरोइंस की जरूरत? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा जल्द ही अपनी फिल्म खिलाड़ी के साथ देश भर के थिएटर्स में एंट्री लेने वाले हैं। रवि तेजा का नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसे पहले भी उनकी कई फिल्में डब होकर यूट्यूब पर रिलीज की जाती रही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के बॉलीवुड में भी कई रीमेक बन चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब वो अपनी किसी फिल्म को साउथ की भाषा के साथ साथ ही हिंदी भाषा में भी रिलीज करेंगे, इसलिए उनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी देखने के लिए सिर्फ साउथ इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको रवि तेजा के साथ दो हीरोइंस देखने को मिलने वाली हैं। इन दो हीरोइंस में सबसे पहली हैं डिंपल हयाती, जिन्हें आपने हाल ही में हिंदी फिल्म अतरंगी रे में देखा होगा। हालांकि डिंपल ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं, वैसे इनके लिए फिल्म खिलाड़ी एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से ये पता चला है कि फिल्म को पैन इंडिया बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, तब से ही रवि तेजा के साथ फिल्म के बाकी स्टार कास्ट को भी फेम मिलते देखा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की दूसरी हीरोइन की, तो उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी, जिनका नाम हो सकता है आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि ये इनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ एक ही साउथ की फिल्म की है। इनके लिए फिल्म खिलाड़ी में इतना अहम रोल मिलना उनके करियर की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब फिल्म में हीरो एक ही है तो दो हीरोइंस की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें कि फिल्म में रवि तेजा का डबल रोल है, जिसके कारण फिल्म में आपको रवि तेजा के दोनों कैरेक्टर के लिए डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी हीरोइन के रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। जहां एक तरफ फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर जयंती लाल गागा हैं।
तो आप लोग बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस, क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस, क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में। पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस, क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस, क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको,
क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और मास महाराजा रवि तेजा का बिग स्क्रीन स्वैग काफी जबरदस्त रहता है, जो कि मासेस और क्लासेस दोनों को खूब भाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी इनके इसी अंदाज के कायल हैं। रवि की फिल्म चॉइस ही सलमान की पसंदीदा बनती जा रही है, जहाँ ये किक का हिंदी रीमेक तो कर ही चुके हैं और अब एक और रीमेक की फिराक में है। जानते हैं इसी डील के बारे में थोड़ा तफसील में। स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हस्ती चंद्रेसा। रवि ने लास्ट रिलीज क्रैक से सभी रिकॉर्ड्स क्रैक तो किए ही, पर इनकी नेक्स्ट रिलीज खिलाड़ी के टीजर भर से ही ये जरूर लग रहा है कि इनका बेस्ट अभी आना बाकी है। खिलाड़ी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है, जिसने न केवल फैंस को बल्कि सलमान खान को भी उत्सुक बना दिया है। भाईजान इस कदर टीजर से इम्प्रेस हुए कि इसी के बलबूते इन्होंने खिलाड़ी फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदने में देर नहीं लगाई, जबकि फिल्म की रिलीज तो क्या अभी तक शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। शायद लगता है कि सलमान रवि तेजा के स्क्रिप्ट सेंस के ही तगड़े फैन बन चुके हैं और शायद ये भरोसा कि रीमेक के समय से ही बन चुका है। हालांकि ये भी साफ कर दे कि किक और खिलाड़ी दोनों काफी अलग मूवीज हैं, इसलिए शायद सलमान खिलाड़ी को उतना भी सुपरहिट ना बना पाए जितना उन्होंने किक रीमेक को बनाया था। खिलाड़ी एक साइको थ्रिलर है और इसके डबल रोल में रवि का स्वैग किलर लग रहा है, जबकि इसके हिंदी रीमेक में सलमान खास जचने वाले नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने क्राइम थ्रिलर बनाई ही नहीं है। भले ही भाई का स्टारडम वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इस साइको किलर कैरेक्टर में फिट शायद वो ना लगे, जिसका खौफ रवि ने सिर्फ टीजर से ही बयां कर दिया है। सलमान की स्ट्रेंथ एक्शन ह्यूमरस कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि चुलबुल, देवीलाल एक्सेट्रा, पर अब इन्हें एक आउट एंड आउट साइको थ्रिलर में डबल रोल निभाना है तो डाउट होना तो लाजमी है। वहीं रवि तेजा साइको थ्रिलर फिल्में काफी समय से करते आए हैं, जैसे कि ऑफिल। इनके परफॉर्मेंस इसी तरह की फिल्मों में खासम खास रहते हैं। खिलाड़ी के टीजर में इनका अनप्रिडिक्टेबल नेचर एक लुक में ही जाहिर हो जाता है, लेकिन सलमान सिर्फ एक्सप्रेशन से एक साइको कैरेक्टर दर्शा पाएंगे, इस बात में अभी थोड़ा डाउट है। बात करें रिलीज से पहले राइट्स बिकने की, तो खिलाड़ी के साथ ही ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिट साउथ इंडियन फिल्म्स डियर कॉमरेड के राइट्स भी करण जौहर ने पहले ही खरीद लिए थे और बल्कि अभी तक भी संजो के रखे हैं। तो वही कन्नड़ा हिट मथे उद्भव के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ये राइट शायद पिछले हिट रिकॉर्ड को देखने के लिए सिक्योर किए जाते हैं। जहाँ किक के ब्लॉकबस्टर होने के बाद खिलाड़ी के बिक गए, तो वही कबीर सिंह के बाद डियर कॉमरेड के। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। साथ में खिलाड़ी के बैकग्राउंड को कहीं से कॉपी किया है? क्या डीएसपी पर पहले भी बीजीएम कॉपी के संगीन आरोप लगे हैं? फिल्मों में म्यूजिक की इम्पोर्टेंस हम इंडियन से ज्यादा कौन ही समझ पाएगा? स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से परफेक्ट फिट सॉन्ग्स और कभी कभार अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स की इजाद तो इंडियन फिल्म्स में ही की है। अब तो आलम ये हो चुका है कि जिस फिल्म में गाना ना हो वो फिल्म अधूरी सी लगती है, लेकिन म्यूजिक को तो अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाता है और सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं, उनकी चकाचौंध में बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं खो सा जाता है। हालांकि कभी कभी तो बीजीएम ही स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट काम अकेले निपटा लेता है, लेकिन तभी भी इसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरफ दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज हम इसी बैकग्राउंड एलिमेंट को फ्रंट में लाकर इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे यानी कि पंखुरी के साथ और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमने पिछले कुछ सालों में सिनेमा के हर एक एस्पेक्ट में फिनोमिनल ग्रोथ देखी है और इसी रिवोल्यूशन का पार्ट बीजीएम भी रहा है। पिछले कुछ एक मूवीज को अगर उठा के देखें तो बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में म्यूजिशियंस ने बॉल सीधा बाउंड्री के पार मारी है। प्लीजिंग सॉन्ग्स बनाने के साथ साथ म्यूजिशियंस कैची बीट्स वाले बीजीएम बनाने पे भी खास ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए बीजीएम लवर्स का तो एक खास फैंडम ही क्रिएट हो गया है। बीजीएम की इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टोरी में डायलॉग्स और एक्टिंग के साथ बीजीएम भी स्टोरी टेलिंग में काफी अहमियत रखता है।
कई बार तो बिना किसी डायलॉग या विजुअल के बीजीएम ही ऑडियंस तक डिजायर मैसेज पहुंचाने में सफल रहता है। आर्ट की हर एक फील्ड की तरह ही म्यूजिक में भी सभी इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस करने की ताकत होती है, और ऑल दो हिट सीक्वेंसेस में चार चांद लगा कर देते हैं, बीजीएम हर इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्शन के लिए हमने कैथी और वॉर के म्यूजिक को सराहा था, तो वहीं कॉमेडी फिल्म्स में जाति रत्नालो के म्यूजिक पर भी ह्यूमर क्रिएट किया था। सस्पेंस के मामले में रत्सासन और अंधाधुन के म्यूजिक ने हमें लगातार अपने सीट पर बनाए रखा था, तो वहीं ऐ दिल है मुश्किल में रोमांस को बीजीएम ने काफी निखारा था। बस यही नहीं बल्कि और जितने भी इमोशंस होते हैं उन सभी को अमलजामा पहनाकर बीजीएम परफेक्टली काम करता है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग में अपना पार्ट बीजीएम बखूबी निभा जाता है। हाल ही की रवि तेजा की खिलाड़ी फिल्म टीजर का बीजीएम भी हमें काफी कैची सा लगा था, लेकिन इसके रिलीज के दो दिन बाद ही क्रिएटर देवी श्री प्रसाद पे बीजीएम कॉपी का संगीन आरोप लगना शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि इसका बीजीएम कॉपीड है खिलाड़ी नंबर 150 फिल्म से, तो कुछ ने दावा ठोका कि ये कॉपीड है प्रभास की साहो से। अब हमने अपने लेवल पे भी तफ्तीश की तो पाया कि सिमिलैरिटी तो जरूर है और कॉपी की बू आ रही है। देवी श्री प्रसाद को इसी कॉपी एलिगेशंस के लिए काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इन्हें ऐसे इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। सेम टाइम पर पुष्पा का भी टीजर रिलीज किया गया था जिसका म्यूजिक कंपोजर देवी प्रसाद ही है, और इसके बीजीएम को भी बेबी और एवेंजर्स एंडगेम से चुराया हुआ बताया जा रहा है। अब जाने अनजाने ही सही, लेकिन अगर बार बार एलिगेशंस के कटघरे में डीएसपी ही फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रीतम दा की तरह इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की थिन लाइन को पार कर रहे हैं, और जब जब ऐसा करेंगे जनता तो जरूर ही पकड़ लेगी। खिलाड़ी के बीजीएम के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना। कब होगी रवि तेजा की खिलाड़ी की हिंदी रिलीज? खिलाड़ी की हिंदी रिलीज से किसको होगा नुकसान? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. अल्लू अर्जुन की पुष्पा की हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वो भी कोरोना काल में। इसी को देखते हुए जब बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी फिल्मों को रिलीज करने में हिचक रहे थे, वहीं रवि तेजा ने अपनी फिल्म खिलाड़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रवि तेजा के लोकप्रियता को देखकर उन्हें मास महाराजा भी कहा जाता है। उनकी डब की हुई फिल्में हिंदी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है जबकि इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल है। इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी हमें नजर आने वाली है। इससे पहले वो विक्रमार गुड्डू में भी डबल रोल करते हुए नजर आ चुके हैं। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में उनकी इस फिल्म का रीमेक राउडी राठौर के नाम से बना था। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्या रवि तेजा भी अल्लू अर्जुन जितना प्यार बटोर पाते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल? कब रिलीज होगी ये फिल्म? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे, और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे। फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में
उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई, एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। जल्दी से बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके आ जाइए। रवि तेजा पैंडेमिक के इस माहौल में पहले भी काफी डेयरिंग दिखा चुके हैं, जहां इन्होंने अपनी लास्ट फिल्म क्रैक को थिएटर्स में रिलीज किया था और इस रिस्क का पूरा फल इन्हें मिला भी। जनता ने क्रैक मूवी को इनकी करियर की हाईएस्ट ग्रोसर बना डाला। तो इसी मैजिक के एक और बड़ा उम्मीद करते हुए रवि फिर एक बार रिस्क लेने जा रहे हैं और इस बार तो रिस्क पहले से ही डेयरिंग है। रवि अपनी नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी को 28 मई पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया में थिएटर्स ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा कम हो गई है। इवन इनके अपने स्टेट में भी थिएटर्स में सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी दी गई है, लेकिन रवि अड़े हुए हैं अपनी डिमांड पर और चाहते हैं 28 मई की रिलीज ही। अब ये रिस्क पहले से बड़ा इसलिए है क्योंकि क्रैक के समय कोविड की सेकेंड वेव इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, और जनता की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए शायद गवर्नमेंट थिएटर कैपेसिटी और भी कम कर दे। तो कहीं जोश जोश में रवि बाबू होश ही ना खो बैठे और खुद ही घाटे को सौदा खेल जाए। बात करें खिलाड़ी की तो टीजर से तो ये फिल्म कमाल लग रही है और नॉन पैंडमिक रिलीज में तो जरूर सुपर हिट होने का मादा रखती है। रवि तेजा की इस मच अवेटेड फिल्म खिलाड़ी का टीजर काफी सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ है, जहां ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइको किलर के रूप में दिखेंगे और किलर भी छोटा मोटा नहीं बल्कि फुल ऑन हथौड़ा त्यागी जैसे मर्डरर, जो अपने हथौड़ा के बल पे ही खून खराबा मचा रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि म्यूजिक और एक्शन के मामले में ये फिल्म रवि तेजा की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। बात करें म्यूजिक की तो BGM के मामले में तो देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। हाल ही में इनके म्यूजिक और BGM की तारीफ हुई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा के टीजर के टाइम, और इसके कुछ ही दिनों बाद खिलाड़ी के BGM को भी जनता से खूब प्यार मिल रहा है। जिस तरह रवि तेजा की लास्ट फिल्म क्रैक ने धमाल मचाया है, उसी तरह खिलाड़ी से भी इनकी काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। इसलिए तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी फिल्म को रिलीज कर सात सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल। कब रिलीज होगी ये फिल्म, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे।
फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर है जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई। एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। रवि तेजा को मास महाराजा क्यों कहा जाता है? खिलाड़ी की किस शूट को इटली स्केड्यूल में क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी? क्या कोविड के चलते रवि तेजा स्टेप बैक कर गए हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फैन स्टार्स का नामकरण अपने स्टाइल में किया करती है। जहां बॉलीवुड में निकनेम रखे जाते हैं जैसे अकी, भाईजान, ग्रीक गॉड एक्सेट्रा, पर साउथ इंडियन सिनेमा में ये ट्रेंड कुछ अलग है। यहां मेन नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिए जाते हैं जो इन स्टार्स की एक पहचान बन जाते हैं, जैसे आइकन स्टार, रॉकिंग स्टार। साथ ही जनता बकायदा इस नामकरण का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो आज जानेंगे रवि तेजा का मास महाराजा कहलाए जाने का रीजन और इनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी के बारे में कुछ अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। रवि तेजा किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात नहीं रखते थे, इसलिए इन्हें टॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरू किया छोटे साइड रोल से और आते आते एक दिन इनके पास लीड रोल का भी मौका आया। तो इन्होंने इसे इतने कमाल तरीके से बुनाया कि ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया। अब बस एक चांस की देर थी। इसके बाद तो रवि तेजा ने ऐसी कमर्शियल फिल्मों की झड़ी लगा दी जिससे जनता को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने लगा। तो इसी कारण से इन्हें ऐसे स्टार्स के नाम से पहचाना जाने लगा जो मासेस के लिए सिनेमा बनाता है और मासेस की नब्ज इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह मास महाराजा रवि तेजा नाम से सिनोनिम हो गया। रवि तेजा ने हाल ही में अपने करियर की पीक सक्सेस का स्वाद चखा है क्रैक फिल्म के साथ। तो इसी फैंडम का क्विक बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने खिलाड़ी जैसा एक और खेल भी खेला। खिलाड़ी फिल्म की शूट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रवि तेजा फुल्ली चार्ज अप दिखे। कोविड की सिचुएशन में भी कुछ महीने पहले ये इटली में जाके स्केड्यूल पूरा कराए और एज एक्सपेक्टेड शूट में खासी दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम इटली में पधारी, वहां की गवर्नमेंट ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और अनन फनन में लॉकडाउन की घोषणा कर डाली। अब वैसे तो इटली टूरिज्म और शोर शराबे के लिए जाना जाता है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव ने सब कुछ हॉल्ट पे लाकर रख दिया। खिलाड़ी की टीम को इसी वजह से लिमिटेड मूवमेंट मिल पाई और रातों में तो निकलना भी दुभर हो गया था। तभी इन्होंने मेन शॉट ही लिए और अपने स्केड्यूल को कट शॉर्ट करके वापस इंडिया में आना पड़ गया। अब जब शूट ही आधी पर आधी हुई है तो खिलाड़ी की रिलीज डेडलाइन को पकड़ पाना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से इंडिया में हालत बदतर हो गए हैं, जो थिएटर रिलीज के लिए काम और भी खराब करने वाला है। इस कारण रवि तेजा, जो कि अभी तक मई रिलीज के लिए कमिटेड थे, वो भी स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हैं। खिलाड़ी की शूट को हाल फिलहाल की सिचुएशन में रोक दिया है और बाकी फिल्म्स की तरह इसका भी पोस्टपोन होना तय है समझो। इसका मतलब बाकी रिलीज की तरह खिलाड़ी का भी टीजर देख के ही सार लो, अभी डगर काफी कठिन होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में। जाइए जल्दी और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।
डीले में कसूरवार कौन, कैसे यूएई अथॉरिटीज ने खिलाड़ी शूट प्लान्स पर पानी फेर दिया है, पैंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को कितना घाटा हो चुका है, मास महाराजा रवि तेजा की नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी न जाने कितने टाइम से शूटिंग के जंजाल में ही अटकी है, बावजूद ढेर सारे टाइम के भी फिल्म पूरे होने में ही नहीं आ रही, और क्योंकि शूट को टाइम पर खत्म करने का सारा जिम्मा एक डायरेक्टर का होता है, इसलिए यहां भी डायरेक्टर रमेश को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन असल में डीले की वजह क्रू या कास्ट नहीं बल्कि कोई और ही है। खिलाड़ी की शूट कछुए की चाल में चल रही है, इसलिए रवि की थोड़ी नाराजगी तो बनती भी है। आखिर अपने बिजी शेड्यूल में ये काफी खींचतान कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से बनी बनाई फिल्म को साल डेढ़ साल तक डीले करना भी सही नहीं होगा। असलियत में शूटिंग डीले का सारा ठिकरा इस मेड इन चाइना पैंडेमिक पे फोड़ना चाहिए, जिसने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बाकी सभी बिजनेस को तहस नहस कर दिया है। खिलाड़ी की शूट काफी बार किश्तों में भी की गई है, और इसी स्टार्ट स्टॉप के चलते न केवल कास्ट एंड क्रू को परेशानियां झेलनी पड़ी, बाकी बजट में भी भारी गड़बड़ हो गई। टुकड़ों में शूट करने से फिल्म का खर्चा प्लान बजट से काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, सेट्स, आर्टिस्ट और डेली वेज वर्कर का एक्स्ट्रा खर्चा। यह दिक्कत खिलाड़ी के साथ भी हुई, इटली और इंडिया दोनों के शूट शेड्यूल में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लॉकडाउन लगते रहे, और अंत में खराब मैनेजमेंट का सारा इल्जाम तो जाहिर है डायरेक्टर पर ही आना था। इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिल्म के दो मेन सॉन्ग्स और कुछ सीन्स अभी बाकी है। हालांकि रवि और रमेश के बीच सुलह होती तो दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक में शूट रिस्टार्ट की जाएगी, पर यहां भी एक झोल है। बाकी बचे सीन्स दुबई में प्लान हुए थे, पर यूएई अथॉरिटीज अभी तक वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते खिलाड़ी के बने बनाए प्लान पे पानी फिर चुका है। तेजा के फिर से नाराज होने से पहले डायरेक्टर साहब ने अपने हैदराबाद को ही दुबई बनाने की सोची है, और आउटस्कर्ट्स पे खड़े कर दिए हैं विशाल सेट्स, क्योंकि वैसे भी सॉन्ग्स की लोकेशन देसी हो या विदेशी खास फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस कमाल की स्टोरी लाइन से मतलब है। पैंडेमिक के फिल्म इंडस्ट्री पर असर की बात करें तो बिजनेस वाइज सिनेमा को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इनमें रिलीज पोस्टपोन करने वाली काफी फिल्में भी शामिल है, जैसे की KGF 2, 83 सूर्यवंशी, और वो फिल्में भी शामिल है जिनका बजट स्टार्ट स्टॉप खेल से बिगड़ चुका है, जैसे कि खिलाड़ी, पुष्पा, RRR एक्सेट्रा। इस लॉस की भरपाई करने में टाइम तो काफी लगेगा, बशर्ते तीसरी वेव और भी ज्यादा कहर ना भर पा जाए। तो आज के वीडियो में बस। कौन है फिल्म की हीरोइन? क्या फिल्म में होंगी दो फीमेल लीड एक्ट्रेस? क्यों है फिल्म को दो हीरोइंस की जरूरत? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीक्रैट स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा जल्द ही अपनी फिल्म खिलाड़ी के साथ देश भर के थिएटर्स में एंट्री लेने वाले हैं। रवि तेजा का नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसे पहले भी उनकी कई फिल्में डब होकर यूट्यूब पर रिलीज की जाती रही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के बॉलीवुड में भी कई रीमेक बन चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब वो अपनी किसी फिल्म को साउथ की भाषा के साथ साथ ही हिंदी भाषा में भी रिलीज करेंगे, इसलिए उनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी देखने के लिए सिर्फ साउथ इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको रवि तेजा के साथ दो हीरोइंस देखने को मिलने वाली हैं। इन दो हीरोइंस में सबसे पहली हैं डिंपल हयाती, जिन्हें आपने हाल ही में हिंदी फिल्म अतरंगी रे में देखा होगा। हालांकि डिंपल ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं, वैसे इनके लिए फिल्म खिलाड़ी एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से ये पता चला है कि फिल्म को पैन इंडिया बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, तब से ही रवि तेजा के साथ फिल्म के बाकी स्टार कास्ट को भी फेम मिलते देखा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की दूसरी हीरोइन की, तो उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी, जिनका नाम हो सकता है आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि ये इनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ एक ही साउथ की फिल्म की है। इनके लिए फिल्म खिलाड़ी में इतना अहम रोल मिलना उनके करियर की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब फिल्म में हीरो एक ही है तो दो हीरोइंस की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें कि फिल्म में रवि तेजा का डबल रोल है, जिसके कारण फिल्म में आपको रवि तेजा के दोनों कैरेक्टर के लिए डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी हीरोइन के रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, जहां एक तरफ फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर जयंती लाल गागा हैं।
तो आप लोग बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में। पुष्पा का कैसा इन्फ्लुएंस? क्या पुष्पा ने किया खिलाड़ी फिल्म में हिंदी रिलीज को इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं किया था रवि तेजा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में डेब्यू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लगने लगा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियों का अकाल पड़ गया लगता है, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियां, वायलेंस, कॉमेडी और इमोशनल से भरी फिल्मों को लोग एक तक देखते मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी भा रही है, और इस चक्कर में अब फैंस भी साउथ के सिनेमा को देखने में पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी साउथ की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों के जैसे मानने लगा है। साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज की हिंदी बेल्ट में जबरदस्त सफलता। पुष्पा फिल्म का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि इस फिल्म की सक्सेस को देखकर अब एक और बड़े साउथ के एक्टर को हम जल्द ही हिंदी डब में सबका दिल जीतते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, साउथ फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि तेजा की अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज होने जा रही है। रवि तेजा के एक्टिंग करियर को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 30 सालों में रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं की गई। भले ही हिंदी में डब उनकी कई मूवी टेलीविजन पर दिखाई जाती है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रवि तेजा की कोई फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इसे रवि तेजा का हिंदी डेब्यू कहा जा रहा है। हैरानी की ये बात है कि पिछले 30 सालों में रवि तेजा की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है, जबकि साउथ में ऐसे नए एक्टर्स की कमी नहीं जो जबरदस्त हिट है। उनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, धनुष जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। अब फैंस तो रवि तेजा के इस हिंदी डेब्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो अब क्या लगता है आपको,
क्या फैंस को आएगा रवि तेजा का इस फिल्म में अंदाज पसंद? क्या लोगों को आएगी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद? क्या ये फिल्म तोड़ पाएगी पुष्पा फिल्म का रिकॉर्ड? क्या हर स्टेट के फैंस कर पाएंगे फिल्म से रिलेट? ऐसे में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगेशा लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और मास महाराजा रवि तेजा का बिग स्क्रीन स्वैग काफी जबरदस्त रहता है, जो कि मासेस और क्लासेस दोनों को खूब भाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी इनके इसी अंदाज के कायल है। रवि की फिल्म चॉइस ही सलमान की पसंदीदा बनती जा रही है, जहाँ ये किक का हिंदी रीमेक तो कर ही चुके हैं और अब एक और रीमेक की फिराक में है। जानते हैं इसी डील के बारे में थोड़ा तफसील में। स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हस्ती चंद्रेसा। रवि ने लास्ट रिलीज क्रैक से सभी रिकॉर्ड्स क्रैक तो किए ही, पर इनकी नेक्स्ट रिलीज खिलाड़ी के टीजर भर से ही ये जरूर लग रहा है कि इनका बेस्ट अभी आना बाकी है। खिलाड़ी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है, जिसने ना केवल फैंस को बल्कि सलमान खान को भी उत्सुक बना दिया है। भाईजान इस कदर टीजर से इम्प्रेस हुए कि इसी के बलबूते इन्होंने खिलाड़ी फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदने में देर नहीं लगाई, जबकि फिल्म की रिलीज तो क्या अभी तक शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई है। शायद लगता है कि सलमान रवि तेजा के स्क्रिप्ट सेंस के ही तगड़े फैन बन चुके हैं और शायद ये भरोसा किक रीमेक के समय से ही बन चुका है। हालांकि ये भी साफ कर दे कि किक और खिलाड़ी दोनों काफी अलग मूवीज हैं, इसलिए शायद सलमान खिलाड़ी को उतना भी सुपरहिट ना बना पाए जितना उन्होंने किक रीमेक को बनाया था। खिलाड़ी एक साइको थ्रिलर है और इसके डबल रोल में रवि का स्वैग किलर लग रहा है, जबकि इसके हिंदी रीमेक में सलमान खास जचने वाले नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने क्राइम थ्रिलर बनाई ही नहीं है। भले ही भाई का स्टारडम वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इस साइको किलर कैरेक्टर में फिट शायद वो ना लगे, जिसका खौफ रवि ने सिर्फ टीजर से ही बयां कर दिया है। सलमान की स्ट्रेंथ एक्शन ह्यूमरस कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि चुलबुल, देवीलाल एक्सेट्रा, पर अब इन्हें एक आउट एंड आउट साइको थ्रिलर में डबल रोल निभाना है तो डाउट होना तो लाजमी है। वहीं रवि तेजा साइको थ्रिलर फिल्में काफी समय से करते आए हैं, जैसे कि ऑफिल। इनके परफॉर्मेंस इसी तरह की फिल्मों में खासम खास रहते हैं। खिलाड़ी के टीजर में इनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर एक लुक में ही जाहिर हो जाता है, लेकिन सलमान सिर्फ एक्सप्रेशन से एक साइको कैरेक्टर दर्शा पाएंगे, इस बात में अभी थोड़ा डाउट है। बात करें रिलीज से पहले राइट्स बिकने की, तो खिलाड़ी के साथ ही ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिट साउथ इंडियन फिल्म्स डियर कॉमरेड के राइट्स भी करण जौहर ने पहले ही खरीद लिए थे और बल्कि अभी तक भी संजो के रखे हैं। तो वही कन्नड़ा हिट मथे उद्भव के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ये राइट शायद पिछले हिट रिकॉर्ड को देखने के लिए सिक्योर किए जाते हैं। जहाँ किक के ब्लॉकबस्टर होने के बाद खिलाड़ी के बिक गए, तो वही कबीर सिंह के बाद डियर कॉमरेड के। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। साथ में खिलाड़ी के बैकग्राउंड को कहीं से कॉपी किया है? क्या डीएसपी पर पहले भी विजन कॉपी के संगीन आरोप लगे हैं? फिल्मों में म्यूजिक की इम्पोर्टेंस हम इंडियन से ज्यादा कौन ही समझ पाएगा? स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से परफेक्ट फिट सॉन्ग्स और कभी कभार अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स की इजाद तो इंडियन फिल्म्स में ही की है। अब तो आलम ये हो चुका है कि जिस फिल्म में गाना ना हो वो फिल्म अधूरी सी लगती है, लेकिन म्यूजिक को तो अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाता है और सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं, उनकी चकाचौंध में बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं खो सा जाता है। हालांकि कभी कभी तो बीजीएम ही स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट काम अकेले निपटा लेता है, लेकिन तभी भी इसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरफ दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज हम इसी बैकग्राउंड एलिमेंट को फ्रंट में लाकर इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे यानी कि पंखुरी के साथ और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमने पिछले कुछ सालों में सिनेमा के हर एक एस्पेक्ट में फिनोमिनल ग्रोथ देखी है और इसी रिवोल्यूशन का पार्ट बीजीएम भी रहा है। पिछले कुछ एक मूवीज को अगर उठा के देखें तो बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में म्यूजिशियंस ने बॉल सीधा बाउंड्री के पार मारी है। प्लीजिंग सॉन्ग्स बनाने के साथ साथ म्यूजिशियंस कैची बीट्स वाले बीजीएम बनाने पे भी खास ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए बीजीएम लवर्स का तो एक खास फैंडम ही क्रिएट हो गया है। बीजीएम की इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टोरी में डायलॉग्स और एक्टिंग के साथ बीजीएम भी स्टोरी टेलिंग में काफी अहमियत रखता है।
कई बार तो बिना किसी डायलॉग या विजुअल के बीजीएम ही ऑडियंस तक डिजायर मैसेज पहुंचाने में सफल रहता है। आर्ट की हर एक फील्ड की तरह ही म्यूजिक में भी सभी इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस करने की ताकत होती है, और ऑल्दो हिट सीक्वेंसेस में चार चांद लगा कर देते हैं, बीजीएम हर इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्शन के लिए हमने कैथी और वॉर के म्यूजिक को सराहा था, तो वहीं कॉमेडी फिल्म्स में जाति रत्नालो के म्यूजिक पर भी ह्यूमर क्रिएट किया था। सस्पेंस के मामले में रत्सासन और अंधाधुन के म्यूजिक ने हमें लगातार अपने सीट पर बनाए रखा था, तो वहीं ऐ दिल है मुश्किल में रोमांस को बीजीएम ने काफी निखारा था। बस यही नहीं बल्कि और जितने भी इमोशंस होते हैं उन सभी को अमलजामा पहनाकर बीजीएम परफेक्टली काम करता है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग में अपना पार्ट बीजीएम बखूबी निभा जाता है। हाल ही की रवि तेजा के खिलाड़ी फिल्म टीजर का बीजीएम भी हमें काफी कैची सा लगा था, लेकिन इसके रिलीज के दो दिन बाद ही क्रिएटर देवी श्री प्रसाद पे बीजीएम कॉपी का संगीन आरोप लगना शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि इसका बीजीएम कॉपीड है खिलाड़ी नंबर 150 फिल्म से, तो कुछ ने दावा ठोका कि ये कॉपीड है प्रभास की साहो से। अब हमने अपने लेवल पे भी तफ्तीश की तो पाया कि सिमिलैरिटी तो जरूर है और कॉपी की बू आ रही है। देवी श्री प्रसाद को इसी कॉपी एलिगेशंस के लिए काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इन्हें ऐसे इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। सेम टाइम पर पुष्पा का भी टीजर रिलीज किया गया था जिसका म्यूजिक कंपोजर देवी प्रसाद ही है, और इसके बीजीएम को भी बेबी और एवेंजर्स एंडगेम से चुराया हुआ बताया जा रहा है। अब जाने अनजाने ही सही, लेकिन अगर बार बार एलिगेशंस के कटघरे में डीएसपी ही फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रीतम दा की तरह इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की थिन लाइन को पार कर रहे हैं, और जब जब ऐसा करेंगे जनता तो जरूर ही पकड़ लेगी। खिलाड़ी के बीजीएम के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना। कब होगी रवि तेजा की खिलाड़ी की हिंदी रिलीज? खिलाड़ी की हिंदी रिलीज से किसको होगा नुकसान? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वो भी कोरोना काल में। इसी को देखते हुए जब बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी फिल्मों को रिलीज करने में हिचक रहे थे, वहीं रवि तेजा ने अपनी फिल्म खिलाड़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रवि तेजा के लोकप्रियता को देखकर उन्हें मास्क महाराजा भी कहा जाता है। उनकी डब की हुई फिल्में हिंदी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है जबकि इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल है। इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी हमें नजर आने वाली है। इससे पहले वो विक्रमार कुड्डू में भी डबल रोल करते हुए नजर आ चुके हैं। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में उनकी इस फिल्म का रीमेक राउडी राठौर के नाम से बना था। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्या रवि तेजा भी अल्लू अर्जुन जितना प्यार बटोर पाते हैं? तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल? कब रिलीज होगी ये फिल्म? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे। फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें, रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में
उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमाघरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई, एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। जल्दी से बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके आ जाइए। रवि तेजा पैंडेमिक के इस माहौल में पहले भी काफी डेयरिंग दिखा चुके हैं, जहां इन्होंने अपनी लास्ट फिल्म क्रैक को थिएटर्स में रिलीज किया था और इस रिस्क का पूरा फल इन्हें मिला भी। जनता ने क्रैक मूवी को इनकी करियर की हाईएस्ट ग्रोसर बना डाला। तो इसी मैजिक के एक और बड़ा उम्मीद करते हुए रवि फिर एक बार रिस्क लेने जा रहे हैं और इस बार तो रिस्क पहले से भी डेयरिंग है। रवि अपनी नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी को 28 मई पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया में थिएटर्स ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा कम हो गई है। इवन इनके अपने स्टेट में भी थिएटर्स में सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी दी गई है, लेकिन रवि अड़े हुए हैं अपनी डिमांड पर और चाहते हैं 28 मई की रिलीज ही। अब ये रिस्क पहले से बड़ा इसलिए है क्योंकि क्रैक के समय कोविड की सेकेंड वेव इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब हो चुकी है और जनता की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए शायद गवर्नमेंट थिएटर कैपेसिटी और भी कम कर दे। तो कहीं जोश जोश में रवि बाबू होश ही ना खो बैठे और खुद ही घाटे को सौदा खेल जाए। बात करें खिलाड़ी की तो टीजर से तो ये फिल्म कमाल लग रही है और नॉन पैंडमिक रिलीज में तो जरूर सुपरहिट होने का मादा रखती है। रवि तेजा की इस मच अवेटेड फिल्म खिलाड़ी का टीजर काफी सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ है, जहां ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइको किलर के रूप में दिखेंगे और किलर भी छोटा मोटा नहीं बल्कि फुल ऑन हथौड़ा त्यागी जैसी मर्डरर जो अपने हथौड़ा के बल पे ही खून खराबा मचा रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि म्यूजिक और एक्शन के मामले में ये फिल्म रवि तेजा की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। बात करें म्यूजिक की तो BGM के मामले में तो देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। हाल ही में इनके म्यूजिक और BGM की तारीफ हुई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा के टीजर के टाइम और इसके कुछ ही दिनों बाद खिलाड़ी के BGM को भी जनता से खूब प्यार मिल रहा है। जिस तरह रवि तेजा की लास्ट फिल्म क्रैक ने धमाल मचाया है, उसी तरह खिलाड़ी से भी इनकी काफी उम्मीदें बंधी हुई है, इसलिए तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी फिल्म को रिलीज कर। सात सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी का टीजर कैसे मचा रहा है धमाल, कब रिलीज होगी ये फिल्म, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे और फाइनली टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत एक जेल से होती है जिसमें रवि की बैग दिखाई जाती है। इसके बाद मीनाक्षी चौधरी फ्रेम में आ जाती है। टीजर फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। रवि तेजा का किरदार भी काफी ट्विस्टेड है। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है। फिल्म का म्यूजिक आपको एंड तक बांधे रखेगा। हालांकि लास्ट में रवि एक डायलॉग बोलते हैं, अगर आप अपने पागल इमोशंस के साथ स्मार्टली खेलते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रवि तेजा ने लिखा, ये रहा फिल्म का टीजर, आशा है आपको पसंद आएगा। वहीं रमेश वर्मा की इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती भी अहम भूमिका में है। फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। इस फिल्म में रवि तेजा डबल रोल में नजर आएंगे। रमेश वर्मा अपनी इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण दर्शकों को इस फिल्म में एक्शन और मनोरंजन कम दिखे।
फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होनी है। वहीं आपको बता दें रवि तेजा को टॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। वहीं अक्षय कुमार भी रवि तेजा की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में नजर आ चुके हैं। रवि तेजा हर जॉनर के किरदार को बखूबी निभाते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म क्रैक रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री श्रुति हसन नजर आई थी। कोरोना महामारी के बाद खुले साउथ के सिनेमा घरों में लगने वाली क्रैक पहली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की। वहीं आपको बता दें तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रवि तेजा उन स्टार्स में से हैं जो बिना किसी के अप्रोच के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रवि साउथ के सुपरस्टार हैं। रवि एक ऐसे एक्टर है जो एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह में फिट बैठते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों की अलग ही बात है और अब बॉलीवुड को अच्छी टक्कर दे रहा है। बॉलीवुड से भी कहीं आगे साउथ सिनेमा चला गया है। कैसे ऑडियंस को बांधे रखना है, किस प्रकार का एक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। और इसीलिए ये परिणाम हुआ कि कोरोना काल में भी दो साउथ की फिल्में रिलीज हुई। एक तो रवि तेजा की थी और फैंस दौड़े चले आए। वहीं बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई लेकिन फैंस जो थे थिएटर्स की ओर नहीं खींचे चले आए। तो ये डिफरेंस तो है। तो आपको कितना इंतजार रहता है साउथ की फिल्मों का और रवि तेजा की खिलाड़ी का, आप कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। रवि तेजा को मास महाराजा क्यों कहा जाता है? खिलाड़ी की किस शूट को इटली स्केड्यूल में क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी? क्या कोविड के चलते रवि तेजा स्टेप बैक कर गए हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फैन स्टार्स का नामकरण अपने स्टाइल में किया करती है। जहां बॉलीवुड में निकनेम रखे जाते हैं जैसे अकी, भाईजान, ग्रीक गॉड एक्सेट्रा, पर साउथ इंडियन सिनेमा में ये ट्रेंड कुछ अलग है। यहां मेन नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दिए जाते हैं जो इन स्टार्स की एक पहचान बन जाते हैं, जैसे आइकन स्टार, रॉकिंग स्टार। साथ ही जनता बकायदा इस नामकरण का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो आज जानेंगे रवि तेजा का मास महाराजा कहलाए जाने का रीजन और इनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी के बारे में कुछ अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। रवि तेजा किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात नहीं रखते थे, इसलिए इन्हें टॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरू किया छोटे साइड रोल से और आते आते एक दिन इनके पास लीड रोल का भी मौका आया। तो इन्होंने इसे इतने कमाल तरीके से बुनाया कि ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया। अब बस एक चांस की देर थी। इसके बाद तो रवि तेजा ने ऐसी कमर्शियल फिल्मों की झड़ी लगा दी जिससे जनता को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने लगा। तो इसी कारण से इन्हें ऐसे स्टार्स के नाम से पहचाना जाने लगा जो मासेस के लिए सिनेमा बनाता है और मासेस की नब्स इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह मास महाराजा रवि तेजा नाम से सिनोनिम हो गया। रवि तेजा ने हाल ही में अपने करियर की पीक सक्सेस का स्वाद चखा है क्रैक फिल्म के साथ। तो इसी फैंडम का क्विक बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने खिलाड़ी जैसा एक और खेल भी खेला। खिलाड़ी फिल्म की शूट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रवि तेजा फुल्ली चार्ज अप दिखे। कोविड की सिचुएशन में भी कुछ महीने पहले ये इटली में जाके स्केड्यूल पूरा कराए और एज एक्सपेक्टेड शूट में खासी दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम इटली में पधारी, वहां की गवर्नमेंट ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और अनन फनन में लॉकडाउन की घोषणा कर डाली। अब वैसे तो इटली टूरिज्म और शोर शराबे के लिए जाना जाता है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव ने सब कुछ हॉल्ट पे लाकर रख दिया। खिलाड़ी की टीम को इसी वजह से लिमिटेड मूवमेंट मिल पाई और रातों में तो निकलना भी दुभर हो गया था। तभी इन्होंने मेन शॉट ही लिए और अपने स्केड्यूल को कट शॉर्ट करके वापस इंडिया में आना पड़ गया। अब जब शूट ही आधी पर आधी हुई है तो खिलाड़ी की रिलीज डेडलाइन को पकड़ पाना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से इंडिया में हालत बदतर हो गए हैं, जो थिएटर रिलीज के लिए काम और भी खराब करने वाला है। इस कारण रवि तेजा, जो कि अभी तक मई रिलीज के लिए कमिटेड थे, वो भी स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हैं। खिलाड़ी की शूट को हाल फिलहाल की सिचुएशन में रोक दिया है और बाकी फिल्म्स की तरह इसका भी पोस्टपोन होना तय है समझो। इसका मतलब बाकी रिलीज की तरह खिलाड़ी का भी टीजर देख के ही सार लो, अभी डगर काफी कठिन होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में। जाइए जल्दी और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।
रिले में कसूरवार कौन, कैसे यूएई अथॉरिटीज ने खिलाड़ी शूट प्लान्स पर पानी फेर दिया है, पैंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को कितना घाटा हो चुका है, मास महाराजा रवि तेजा की नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी न जाने कितने टाइम से शूटिंग के जंजाल में ही अटकी है, बावजूद ढेर सारे टाइम के भी फिल्म पूरे होने में ही नहीं आ रही, और क्योंकि शूट को टाइम पर खत्म करने का सारा जिम्मा एक डायरेक्टर का होता है, इसलिए यहाँ भी डायरेक्टर रमेश को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन असल में डिले की वजह क्रू या कास्ट नहीं बल्कि कोई और ही है। खिलाड़ी की शूट कछुए की चाल में चल रही है, इसलिए रवि की थोड़ी नाराजगी तो बनती भी है। आखिर अपने बिजी शेड्यूल में ये काफी खींचतान कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से बनी बनाई फिल्म को साल डेढ़ साल तक डिले करना भी सही नहीं होगा। असलियत में शूटिंग डिले का सारा ठिकरा इस मेड इन चाइना पेंडेमिक पे फोड़ना चाहिए, जिसने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बाकी सभी बिजनेस को तहस नहस कर दिया है। खिलाड़ी की शूट काफी बार किश्तों में भी की गई है, और इसी स्टार्ट स्टॉप के चलते न केवल कास्ट एंड क्रू को परेशानियां झेलनी पड़ी, बाकी बजट में भी भारी गड़बड़ हो गई। टुकड़ों में शूट करने से फिल्म का खर्चा प्लान बजट से काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, सेट्स, आर्टिस्ट और डेली वेज वर्कर का एक्स्ट्रा खर्चा। यह दिक्कत खिलाड़ी के साथ भी हुई, इटली और इंडिया दोनों के शूट शेड्यूल में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लॉकडाउन लगते रहे, और अंत में खराब मैनेजमेंट का सारा इल्जाम तो जाहिर है डायरेक्टर पर ही आना था। इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिल्म के दो मेन सॉन्ग्स और कुछ सीन्स अभी बाकी है। हालांकि रवि और रमेश के बीच सुलह होती तो दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक में शूट रिस्टार्ट की जाएगी, पर यहां भी एक झोल है। बाकी बचे सीन्स दुबई में प्लान हुए थे, पर यूएई अथॉरिटीज अभी तक वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते खिलाड़ी के बने बनाए प्लान पे पानी फिर चुका है। तेजा के फिर से नाराज होने से पहले डायरेक्टर साहब ने अपने हैदराबाद को ही दुबई बनाने की सोची है, और आउटस्कर्ट्स पे खड़े कर दिए हैं विशाल सेट्स, क्योंकि वैसे भी सॉन्ग्स की लोकेशन देसी हो या विदेशी खास फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस कमाल की स्टोरी लाइन से मतलब है। पैंडेमिक के फिल्म इंडस्ट्री पर असर की बात करें तो बिजनेस वाइज सिनेमा को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इनमें रिलीज पोस्टपोन करने वाली काफी फिल्में भी शामिल है, जैसे की KGF 2, 83, सूर्यवंशी, और वो फिल्में भी शामिल है जिनका बजट स्टार्ट स्टॉप खेल से बिगड़ चुका है, जैसे कि खिलाड़ी, पुष्पा, RRR एक्सेट्रा। इस लॉस की भरपाई करने में टाइम तो काफी लगेगा, बशर्ते तीसरी वेव और भी ज्यादा कहर ना भर पा जाए। तो आज के वीडियो में बस। कौन है फिल्म की हीरोइन? क्या फिल्म में होंगी दो फीमेल लीड एक्ट्रेस? क्यों है फिल्म को दो हीरोइंस की जरूरत? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्राट स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा जल्द ही अपनी फिल्म खिलाड़ी के साथ देश भर के थिएटर्स में एंट्री लेने वाले हैं। रवि तेजा का नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसे पहले भी उनकी कई फिल्में डब होकर यूट्यूब पर रिलीज की जाती रही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के बॉलीवुड में भी कई रीमेक बन चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब वो अपनी किसी फिल्म को साउथ की भाषा के साथ साथ ही हिंदी भाषा में भी रिलीज करेंगे, इसलिए उनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी देखने के लिए सिर्फ साउथ इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको रवि तेजा के साथ दो हीरोइंस देखने को मिलने वाली हैं। इन दो हीरोइंस में सबसे पहली हैं डिंपल हयाती, जिन्हें आपने हाल ही में हिंदी फिल्म अतरंगी रे में देखा होगा। हालांकि डिंपल ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं, वैसे इनके लिए फिल्म खिलाड़ी एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से ये पता चला है कि फिल्म को पैन इंडिया बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, तब से ही रवि तेजा के साथ फिल्म के बाकी स्टार कास्ट को भी फेम मिलते देखा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की दूसरी हीरोइन की, तो उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी, जिनका नाम हो सकता है आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि ये इनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ एक ही साउथ की फिल्म की है। इनके लिए फिल्म खिलाड़ी में इतना अहम रोल मिलना उनके करियर की अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब फिल्म में हीरो एक ही है तो दो हीरोइंस की क्या जरूरत है, तो आपको बता दें कि फिल्म में रवि तेजा का डबल रोल है, जिसके कारण फिल्म में आपको रवि तेजा के दोनों कैरेक्टर के लिए डिंपल हयाती और मीनाक्षी चौधरी हीरोइन के रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि रवि तेजा की तेलुगु फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। जहां एक तरफ फिल्म को रमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर जयंती लाल गागा हैं।
तो आप लोग बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे